जी, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू गिव्स मेंटोर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हाँ जी, गुड इवनिंग दीप कुमार। हाँ जी, सबनों गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग गुरप्रीत कौर। हाँ जी, पहला इंग्लिश की क्लास चल रही थी, दैट्स वाई लेट स्टार्ट हुई है क्लास अपनी। सो हुण तुसीं फटाफट अपनी क्लास के नाल जुड़ जाओ। पिंकी रोड़ा गुड इवनिंग, मनु सिद्धू गुड इवनिंग। हाँ जी, सबनों गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग मनप्रीत कौर। हाँ जी, तो सब दे लिए आज मैं की है अराउंड 200 जड़े की है एमसीक्यूज लेके आई है, एंड फटाफट हुन रिवीजन दे लिए की है। सारे जने रेडी हो जो। हाँ जी, हो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप स्टार्ट कर दे। हाँ जी, कल नू की है सब दा पटवारी दा की है एग्जाम है, थोड़ी रिवीजन दे लिए क्लास रखी गई है। तो फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर हो जो। हाँ जी, गुड इवनिंग गुरदास सिद्धू मनदीप कौर। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़े अगे हैगा, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश। हाँ जी, जड़ी कंप्यूटर टर्म है डिराइव किथों कीती गई है, लैटिन वर्ड तो, जर्मन, फ्रेंच या अरेबिक। हाँ जी, क्लियर शो हो रहे है तुहानू दीप कुमार, हुण तुसी देख सकते हो। हाँ जी, मैं जूम करते। ओके, आंसर सब दा आ रहे है, मनदीप कौर ए, ओके दीप कुमार ए। हाँ जी, फर्स्ट जेड़ा तुहाडा क्वेश्चन है तुसी दसना है कि कंप्यूटर टर्म है जड़ी कितों डिराइव की गई है। ओके, जसविंदर ए, शुभम ए। हाँ जी, देखो इहदा आंसर की आएगा, फर्स्ट दा तुहाडा आंसर आएगा ए। हाँ जी, सब दा ठीक है, यह लैटिन वर्ड तो की है डिराइव किया गया। ओके, हुण सब नूं क्लीयर है, विजिबल है। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन देख लो हुण। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट हैगा हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। हाँ जी, डिफरेंस इंजन किसने बनाया सी, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, सिमोन क्रे ने, ऑगस्टा एडेमिंग ने। हाँ जी, तुसी सबने डायरेक्ट नहीं आंसर देना, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखो एंड देन आंसर। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन नंबर एंड देन केड़ा ऑप्शन तुसी चूज किया वो लिखना है तुसी। हाँ जी, हजे तो अपनी क्लास स्टार्ट हुई है, बाकी बच्चों के नाल की है शेयर कर दो अपनी क्लास, ता जो बाकी बच्चे भी की है ज्वाइन कर लेन क्लास नू, उन्हां दी भी रिवीजन हो जाएगी। हाँ जी, सेकंड का आंसर आ रहा है डी। ओके ओके, सब का आ रहा है डी। देखो इसका आंसर क्या आएगा, सेकंड का तुम्हारा आएगा डी। ठीक है ना, डिफरेंस इंजन जेड़ा सीगा ना चार्ल्स बैबेज, जिन्हों आप मतलब की है मेन परसन मानते हैं, जिसका बहुत बड़ा रोल अदा किया है ना कंप्यूटर दे विच, ये कह सकते हो। तो चार्ल्स बैबेज ने की है यदि कह लो इनवेंशन की थी डिफरेंस इंजन की। ठीक है,
हाँ जी फटाफट आ जाओ हम नेक्स्ट क्वेश्चन ते। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी फादर कौन सी कंप्यूटर दा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही। एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, सिमोन क्रे, ऑगस्टा एडेमिंग। ठीक है ऑप्शंस तुहाडे सेम ही ने बट इहदे च तुसीं ओ परसन दसना है केड़ा सीगा किनूं आपां फादर ऑफ कंप्यूटर दे नाम नाल जानदे हां। ठीक है ना थर्ड दा तुसीं आंसर देना है। ओके लवप्रीत दा आ रहा है चार्ल्स बैबेज। ओके सब दा बी ऑप्शन आ रहा है थर्ड दा। ओके दीप कुमार, करम कौर। हाँ जी देखो थर्ड दा तुहाडा की आएगा, बी आएगा। ठीक है ना चार्ल्स बैबेज नूं की कहने आपां फादर ऑफ कंप्यूटर कहने हैं। ठीक है ना हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हाँ जी कंप्यूटर साइंस का फादर आप किनू कहने हैं, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज, सिमोन क्रे, ऑगस्टा एडेमिंग। हाँ जी सेम ही ऑप्शंस ने। हुण कंप्यूटर साइंस का फादर किनू कहा जाता है। हाँ जी फर्स्ट तुसी क्वेश्चन नंबर जरूर मैनशन करो ता जो मैनू पता लग जाए तुसी केड़े क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। हाँ जी फटाफट तुसी आंसर देना है। हाँ जी फादर कंप्यूटर साइंस का किनू कहा जाता है। ओके सब तो पहला आंसर आया मनु सिद्धू का ए। हाँ जी चलो देखो फोर्थ का की आएगा। हाँ जी वेरी गुड बिल्कुल सही है एलन ट्यूरिंग कहा जाता है ना फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस नू की कहने आप एलन ट्यूरिंग। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडा हु इज द फादर ऑफ परसनल कंप्यूटर मतलब पीसी का फादर किनू कहा जाता है, एडवर्ड रॉबर्ट, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बैबेज या नन ऑफ दीस। हाँ जी फिफ्थ का तुसी आंसर दो फटाफट तुहाडे आंसर आने चाहिए है। जी परसनल कंप्यूटर का फादर आप किसनू कहने हैं। ओके फिफ्थ का ए आ रहा है रमन मनदीप। हाँ जी चलो देखो इहदा की आएगा आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है एडवर्ड रॉबर्ट नूं आपां की कहने हैं फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सीपीयू कंटेन्स। देखो सीपीयू दी फुल फॉर्म की होंगी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये की होंगे देखो कार्ड रीडर होंगे एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस। सेकेंड ऑप्शन है एनालिटिकल इंजन और ए कंट्रोल यूनिट। थर्ड है कंट्रोल यूनिट और एन अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट एंड लास्ट है अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट एंड ए कार्ड रीडर। देखो ये की होंगे सीपीयू के सिक्स का आंसर तुम मैं दो की आएगा। ओके सिक्स का मनप्रीत कौर का आंसर आया सी। ओके अनीश सी, रजिंदर ए। हाँ जी अपनी क्लास की है शेयर कर दो बाकी सारे बच्चों के नाल अपने नाल दियां दे नाल तां जो सब सारे पार्टिसिपेट कर लेने विच। ओके सी आ रहा सब का। हाँ जी देखो सिक्स का की आएगा आंसर सी आएगा। ठीक है ये कंट्रोल यूनिट एंड ए एल यू होंगे है। ठीक है ना सी यू एन प्लस ए एल यू इसका पार्ट है। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है देखो केड़ी चीज है जड़ी कंट्रोल कर दी है मतलब या कह लो इंटरेक्शन बना के रख दी है यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच। यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आएगा, प्लेटफॉर्म आएगा या स्क्रीन सेवर आएगा। हाँ जी देखो सेवन का की आएगा आंसर। ओके अगेन मनप्रीत कौर ने सब तो पहला आंसर दिता है ए। ओके नाउ बी रेडी स्टूडेंट्स।
हाँ जी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई सी नाउ हाँ जी देखो की आएगा आंसर ठीक है देखो यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच की है इंटरफेस जरूरी होंदा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच की है इंटरफेस दा काम लेने आपा विंडो तो लेने है ठीक है ना हार्डवेयर एंड यूजर दे विच इंटरेक्शन जरूरी है वो आप ऑपरेटिंग सिस्टम दे थ्रू करदे हैं तो इहदा आंसर आएगा यूजर इंटरफेस ओके हाँ जी नेक्स्ट तुसी देखो हुण हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते आ जाओ फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्रामड यूजिंग है ना सब तो पहला कंप्यूटर्स नू प्रोग्राम किया गया सी यूज की किया गया सी असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज या सोर्स कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड हाँ जी मनदीप कौर ठीक होगी प्रॉब्लम हाँ जी फटाफट तुसी आंसर दो हुण आप बहुत क्वेश्चंस जेड़े की है करने है हाँ जी एट्थ दा आंसर आ रहा है मशीन लैंग्वेज गुरशरण आंसर दे रहे ने हाँ जी देखो एट्थ दा आंसर की आएगा हाँ जी मशीन लैंग्वेज ठीक है ना सब तो पहला जेड़ी कंप्यूटर सी मशीन लैंग्वेज नाल ही प्रोग्रामड किए गए सी क्योंकि जेड़ी कंप्यूटर की है मेन इसे लैंग्वेज नु ही समझदा है ठीक है 01 नु ही समझदा है ठीक है हाँ जी बी आएगा तो आंसर जिन्ना ने बी आंसर दिता बिल्कुल सही है मीनाक्षी हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ तुसी नाइन्थ क्वेश्चन देखो की कह रहे हैं डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द शेयरिंग ऑफ इनफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस देखो इनफॉर्मेशन नु शेयर करन दे लिए अपना डिवाइसेस दे विच यूज करते हैं केड़ी चीज है मतलब वो बनी हुई है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर तो नेटवर्क पेरीफेरल एक्सपेंशन बोर्ड या फिर डिजिटल डिवाइस हाँ जी देखो केड़ी चीज होंगी है जिन्हों आप कह सकते हैं उसके हार्डवेयर भी है सॉफ्टवेयर भी है तो उनके थ्रू आप इनफॉर्मेशन भी एक डिवाइस तो की है दूसरे डिवाइस तक शेयर कर रहे हैं हाँ जी नाइन का आंसर आ रहा है बी एंड मीनाक्षी ए एंड निधि शर्मा बी हाँ जी देखो एदा नाइन का की आएगा आंसर एदा आएगा ए ठीक है ना नेटवर्क आप यूज करते हैं नेटवर्क के थ्रू ही सारा काम होंगे ठीक है इनफॉर्मेशन वगैरह आप शेयर करते हैं ठीक है हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड देखो केड़ियां कोडेड एंट्रीज आप यूज करते हैं इनफॉर्मेशन लैन दे लिए या गेन करन दे लिए कंप्यूटर सिस्टम तो एंट्री कोड्स होंगे है पासवर्ड्स होंगे है सिक्योरिटी कमांड्स होंगे है या कोडवर्ड्स होंगे है देखो केड़ियां कोडेड एंट्रीज होंगे है टेन का आंसर की आएगा हाँ जी कोडेड एंट्री केड़ी यूज करते हैं अपना जे कोई मान लो इनफॉर्मेशन असैस करनी है कंप्यूटर सिस्टम तो हाँ जी काफी बच्चों नू की है कंप्यूटर की क्लास का नहीं पता तुसी की है सब तो वध अपने नाल दियां नू शेयर कर दो ठीक है सब दी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि इतने मैं 200 क्वेश्चंस लेके आई हाँ तुहाडे लई ठीक है ना कल नू सब दा की है एग्जाम है हाँ जी ए आ रहा आंसर रिया ए गुरप्रीत पी हाँ जी देखो की आएगा आंसर तुहाडा टेंथ दा हाँ जी पासवर्ड ठीक है ना पासवर्ड आप यूज करते हैं जो कोई कुछ आप असैस करनी इनफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम तो पासवर्ड तो बिना नहीं आप कर सकते अगे आ गया थोड़ा इलेवंथ क्वेश्चन की कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू ए ट्रू दसनी है तुसी ए वर्ड का ध्यान रखना है इतने फॉल्स लिखा है कि ट्रू मतलब ट्रू लिखा है क्योंकि कई बार फॉल्स भी लिखा हो सकता है तुसी इतने ट्रू दसना है देखो मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन माइक्रो कंप्यूटर नालों फास्ट होंगे है माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर दैन मिनी कंप्यूटर तो यह फास्टर होंगे माइक्रो स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर इज सेम कहते दोनों की मिनी एंड माइक्रो दोनों की कहते स्पीड की है सेम होंगी है एंड लास्ट है स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर विद द स्पीड ऑफ एडवांस देखो इनू की इन दोनों की स्पीड न कंपेयर नहीं कर सकते किसी होर एडवांस स्पीड दे हाँ जी क्वेश्चन नंबर जरूर लिखना है क्वेश्चन नंबर लिख के फिर तुसी जो भी है आंसर मैनू देना हाँ जी मनप्रीत कौर का आंसर आ रहा है बी हाँ जी रमनदीप तुहानू पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है ना तुहानू पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है ना
इस जेडीए वाली पीडीएफ है मैं तुहानू वैसे भी प्रोवाइड करा दांगी, ठीक है, तुहानू लिंक मैं दे दूंगी, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स दे विच ये मैं शेयर कर दूंगी, सारे लिए फ्री होएगी, ठीक है। ओके बी आ रहा, हाँ जी, 11 का तुहाडा आंसर देखो की है, ए आएगा, ठीक है, जिन्होंने ए आंसर दिता है प्रिया गोयल, हाँ जी, वेरी गुड। मिनी कंप्यूटर की है, ज्यादा फास्टली काम कर रहे हैं माइक्रो नालों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा, यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग दैम, देखो फाइल्स नू ऑर्गेनाइज करना है, उन्हें स्टोर किवें करोगे, आर्चीव्स दे विच, फोल्डर्स दे विच, इंडेक्सेस विच या लिस्ट दे विच, हाँ जी, 12th का आंसर की आएगा, आपां फाइल्स नू अरेंज करते हैं, उन्हें स्टोर करते हैं, कादे विच करते हैं, देखो स्टोर कादे च करते होंगे, हाँ जी, कल अंकुश एग्जाम है तो अड़ा, कल पटवारी का एग्जाम है, हाँ जी, देखो आपा कादे विच स्टोर करके रखते हैं, आपा फाइल्स नू फोल्डर्स दे विच, ठीक है ना, आपा फोल्डर्स बनाने हैं, उन्दे विच आपा अपनिया फाइल्स नू की है रखते हैं, ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network, देखो केड़े resource नू आपा common resource मानते हैं, common and वो की है shareable resource होंदा है, printers, network, sorry speakers हो सकते हैं, floppy disk drive या keyboard, इना चो केड़ा resource है जेड़ा common होंदा है, हाँ जी। 13 दा देखो की आएगा answer, हाँ जी, देखो 13 दा दसो की आऊगा आंसर, हाँ जी, केड़ी चीज नू तुसी नेटवर्क दे विच शेयर कर सकते हो, ये आपा सारे की कीता होया इहदे रिलेटेड तुहानू मैं थ्योरी करवा चुकी हाँ, सारियां क्लासेस अपनियां लगियां हुई हैं, जेड़े मतलब पेड स्टूडेंट्स है उन्हां नू तां पता है, ठीक है, ऑलमोस्ट आपा सारा सिलेबस कवर कर लिया, हाँ जी, देखो ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਨ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਪੀਸੀ ਆਪਾਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, हाँ जी, देखो केड़े डिवाइस की जरूरत पैंदी इंटरनेट कनेक्शन दे लिए, जॉयस्टिक, मॉडम, सीडी ड्राइव, एनआईसी कार्ड, हाँ जी, एनआईसी की होंदा अपना नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, देखो 14th दा दसो की आएगा आंसर, इंटरनेट कनेक्शन दे लिए आपां केड़ा डिवाइस यूज करते हैं, हाँ जी, देखो इहदा आंसर तुहाडा आएगा बी, ठीक है ना, मॉडम, हाँ जी, मॉडम की अपनी फुल फॉर्म की होंगी है, मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन, ठीक है ना, मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन, हुण इहदा काम की होंदा, या तो तुसी एनालॉग सिग्नल्स नू की है डिजिटल विच कन्वर्ट कर सकते हो, या वाइस वर्सा कर सकते हो, मतलब जेड़ा तुहाडा डिजिटल है ओनू तुसी की एनालॉग विच भी कर सकते हो, ये तुहाडे मॉडम का काम होंदा है, ठीक है, हाँ जी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहाडा, व्हाट इज लाइट पेन, हाँ जी, लाइट पेन की होंदा, अ मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है, हाँ जी, ये तुसी दसना है लाइट पेन की होंदा, हाँ जी, मनदीप कौर, मॉडुलेट एंड डी मॉडुलेट का काम करता है मॉडम, डिजिटल टू एनालॉग या एनालॉग टू डिजिटल, हाँ जी। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन ते आप आ चुके हैं, आंसर तुसी दसना है की आएगा, हाँ जी, लाइट पेन देखो की होंगे, ओके प्रिया गोयल का आंसर आया सी, चलो आप देखते हैं की आएगा दा आंसर, हाँ जी, इनका आएगा बी, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है ना, इनू याद रखना ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस बोलते हैं, हाँ जी, मनप्रीत कौर बिल्कुल सही है तो आंसर, जिन्होंने बी आंसर दिता बिल्कुल सही है,
ठीक है। देखो यूनिवैक इज अ डैश, हाँ जी यूनिवैक दी तुसी फुल फॉर्म दसनी है, हाँ जी यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर होंगे, यूनिवर्सल एरी कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमैटिक कंप्यूटर है या अनवैल्यूड ऑटोमैटिक कंप्यूटर। हाँ जी 16 क्वेश्चन ते आप पहुंच चुके हैं, आंसर दो इहदा की आएगा, फुल फॉर्म की होंगी है। ठीक है फुल फॉर्म्स मैं तुहानू पेड जिहड़ा अपनी क्लासेस चल रही है उनके विच मैं तुहानू पीडीएफ भी प्रोवाइड की सी, आप सारिया फुल फॉर्म्स कीतियां हुई हैं, काफी ज्यादा ही कीतियां सीगियां। यूनिवैक दी की आएगी फुल फॉर्म, ओके दीप कुमार का आंसर है ए, राजवंत कौर डी, ओके नीतू सेखो ए, ओके सोनिया रानी। हाँ जी देखो बिल्कुल सही है, जिन्होंने ए आंसर दिता है यदि फुल फॉर्म होनी ध्यान च रख लो की होंगी है यूनिवर्सल ऑटोमैटिक कंप्यूटर। हाँ जी नेक्स्ट है सी डी रोम स्टैंड फॉर, हाँ जी सी डी रोम की भी फुल फॉर्म दसनी है, हम तुसी की होंगी कॉम्पैक्टेबल रीड ऑनली मैमरी, कॉम्पैक्ट डेटा रीड ओनली मैमरी, कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मैमरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मैमरी। देखो तुहानू एदा ऑप्शन दिते होंगे कन्फ्यूज करन दे लई, बट तुहानू एग्जैक्ट फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है, आपां सी डी रोम की तुहानू मैं करवाई हुई है। हाँ जी क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा करो केड़े क्वेश्चन का तुसी आंसर दे रहे हो, हुण आपां 17th का आंसर देना है, ओके डी आ गया नीतू सेखो एंड मनप्रीत कौर दा डी। हाँ जी रमन कौर कह रहे ने करवाया सी, हाँ जी आपा पेड क्लासेस चल रही है उदे च आपा कीता होया है सारा कुछ, हाँ जी जिन्होंने लगाई है वो बिल्कुल आंसर सही देंगे। हाँ जी देखो एदा की आंसर आएगा तुहाडा 17th दा, ये हैगा कॉम्पैक्टेबल तुहाडी रीड ओनली मैमरी है, ठीक है ना ए आएगा। हाँ जी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अपना 18th है ALU, हाँ जी ALU दी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है की होंगी है ALU दी, अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट या नन ऑफ अबव। देखो ALU दी की होंगी है फुल फॉर्म, हाँ जी दीप कुमार कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मैमरी, हाँ जी रोम दी तो तुहानू पता ही होगी, सी डी दी तुहानू पता होनी चाहिए है, ओके मनप्रीत कौर का आंसर आया ए, हाँ जी वेरी गुड, जिन्हों का ए आया आंसर अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट की है फुल फॉर्म है तुहाडी ALU दी। हाँ जी VGA दी फुल फॉर्म दसनी है, हुण तुसी VGA की है वीडियो ग्राफिक्स एरे, विजुअल ग्राफिक्स एरे, वॉलेटाइल ग्राफिक्स एरे या वीडियो ग्राफिक्स अडैप्टर। हाँ जी VGA दी की फुल फॉर्म हुंदी है, 19th क्वेश्चन ते आपां पहुंच चुके हैं। हाँ जी क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दिया करो, हाँ जी क्लास जरूर शेयर कर दो, बाकियां दा भी की हो जाएगा फायदा हो जाएगा, ठीक है ना रिवीजन हो जाएगी, 200 क्वेश्चंस ने अपने 200 क्वेश्चंस करांगे, ओके 19th दा मनप्रीत कौर दा आया बी, ओके संदीप सिंह, हाँ जी 17 क्वेश्चन संदीप सिंह आएगा कि कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मैमरी होंगी अपनी ये, ठीक है ना सी डी रोम की फुल फॉर्म है ये। हाँ जी VGA भी आ रही है ऑप्शन, पिंकी अरोड़ा ए, ओके रिया का डी आ रहा आंसर। देखो 19th का तुहाडा की आएगा आंसर, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਰੇ, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਮੋਨੀਟਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਐਰੇ ਆਏਗਾ, ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ IBM 1401 ਇਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हाँ जी जनरेशन आपां कीतियां सीगियां स्टार्टिंग च, जदों आपां थ्योरी स्टार्ट कीती सी उदों आपां कीता होया इह, ठीक है ना जनरेशन सारियां तुहानूं एग्जाम्पल भी दसी सी केड़ा कंप्यूटर केड़ी जनरेशन दे अंडर आंदा है। हाँ जी 20th क्वेश्चन ते आ जाओ हुण,
ओके हाँ जी रिया, तुसी 18th क्वेश्चन ते चल रहे हो। रिफ्रेश करो अपनी जड़ी वीडियो चल रही है नू। ओके 20th दा रमन कौर ने आंसर दिता है बी। हाँ जी वेरी गुड, बी आएगा। सेकंड जनरेशन दे विच ही आंदा है, ठीक है ना। आईबीएम 1401 जेड़ा थोड़ा कंप्यूटर है। हाँ जी नेक्स्ट आ जो एमएसआई। हाँ जी एमएसआई दी फुल फॉर्म की है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट है एंड मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट है, मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट है, मीडियम सिस्टम इंटेलिजेंट सर्किट है। हाँ जी 21 दा मैनू दसो की आएगा आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर तुसी सारे जने जरूर मेंशन करया करो, मोस्टली जेडी स्टूडेंट्स है डायरेक्ट आंसर दे रहे ने, एवें नहीं करना। तुसी क्वेश्चन नंबर मैनू जरूर दसो केड़े दा आंसर तुसी दे रहे हो। ओके हाँ जी मनप्रीत कौर दा आंसर आया है 21st क्वेश्चन दा ए। हाँ जी देखो फुल फॉर्म की होंगी है एमएसआई दी। हाँ जी बिल्कुल मनप्रीत, तुसी आंसर बिल्कुल सही दिता है, मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट होंगे यदि फुल फॉर्म है एमएसआई दी, ठीक है ना। हाँ जी अगे आ गया थोड़ा 22, कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क केस। देखो जे तुसी 3.5 इंच दी फ्लॉपी डिस्क लै रहे हो तो किन्नी कैपेसिटी होएगी, स्टोरेज किन्नी होएगी उसकी, 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB, 1.44 MB। हाँ जी देखो किन्नी होएगी कैपेसिटी। हाँ जी दीप कुमार अपना हो चुका है मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाला। हाँ जी ये अपना आईसी सर्किट है जेड़ा एमएसआई है, ठीक है ना। ये सर्किट्स आप यूज करते हैं, ठीक है ना। सब तो पहला वैक्यूम ट्यूब्स आई हैं सी, उस तो बाद इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए सी। हौली हौली की है सर्किट्स का साइज घटता गया, ठीक है, जिम्मे मतलब अगे जनरेशन आदि गई। ओके 22 दा आ रहा है ए आ रहा है कुलदीप सिंह दा, अमनदीप डी। हाँ जी देखो किन्नी हुंदी है कैपेसिटी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क दी। हाँ जी 1.44 MB होएगी, ठीक है। ये तुसी या तो नो एवं करना पड़ेगा, 1.44 MB जड़ी हुंदी है कैपेसिटी हुंदी है थोड़ी 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क दी। हाँ जी वेरी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट थोड़ा। वैन स्टैंड्स फॉर, हाँ जी वैन दी फुल फॉर्म आप सारी कीती सीगी, लैन दी भी कीती, लैन मैन एंड वैन, ठीक है। वैन दी देखो फुल फॉर्म की होगी वैप एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वायरलेस एरिया नेटवर्क। हाँ जी सब का जेडी आंसर है ना फास्टली आने चाहिए है, फिर ही अपनी की है क्वेश्चन सारे कंप्लीट होंगे। ओके 23rd दा सब तो पहला आया अमनदीप कौर दा, वेरी गुड। 23rd दा बी। ओके हाँ जी वेरी गुड बिल्कुल सही है, वाइड एरिया नेटवर्क यदि फुल फॉर्म होंगी है, ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया MICR स्टैंड्स फॉर, हाँ जी MICR दी फुल फॉर्म की है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक इंक केसेस रीडर या फिर डी है तोड़ा नानिया, इधर भी जो कोई भी नहीं हैगी फुल फॉर्म। हाँ जी सुखदीप गेल दा आंसर आया है बी। ओके मनप्रीत कौर दा आया है ए आंसर। देखो 24th दा ए आया। हाँ जी जिन्हों का ए आया वेरी गुड, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर फुल फॉर्म होंगी है MICR दी। ओके नाउ नेक्स्ट इज EBCDIC स्टैंड्स फॉर, देखो यदि फुल फॉर्म की है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड एंड थर्ड एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड एंड फोर्थ एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। हाँ जी फुल फॉर्म की आएगी 25th क्वेश्चन नंबर लिख के फिर तुसी की है आंसर इधर देना है।
ओके अगेन मनप्रीत कौर का आंसर आया 25th का ए। ओके सब दा ए आ रहा है। सुमन रानी, गुरदीप कौर। ओके हाँ जी देखो 25th का की आएगा आंसर। हाँ जी ए आएगा, ठीक है ना। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है ना। ये सारी आप फुल फॉर्म्स कर चुके हैं अपनी क्लासेस दे विच। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब सीपीयू का केड़ा पार्ट है दे विचो। प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। हाँ जी 26th का आंसर की आएगा। हाँ जी देखो केड़ा पार्ट नहीं है एच सीपीयू का। देखो सीपीयू दे विच प्रिंटर तो होंगे नहीं, कीबोर्ड भी नहीं होंगे, ठीक है ना, माउस भी नहीं होंगे। फिर थोड़ा केड़ा ऑप्शन रह गया, डी रह गया। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट आप हमने पढ़िया सीयू एंड एएलयू, थोड़ा कहना पार्ट है ये कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये थोड़े सीपीयू का पार्ट है। हाँ जी ओके। रमन कौर डी आ रहे हैं। हाँ जी जिन्होंने डी आंसर दिता है वेरी गुड। हाँ जी नेक्स्ट है क्वेश्चन थोड़ा, कैड स्टैंड्स फॉर, हाँ जी कैड की फुल फॉर्म की है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एनालॉग डिजाइन। हाँ जी इन्हें चो केड़ी फुल फॉर्म है कैड दी। नेक्स्ट आप 27th क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। हाँ जी नेक्स्ट थोड़ा क्वेश्चन है जंक ईमेल इज आल्सो कॉल्ड। देखो जंक ईमेल वाला आप पहला भी क्वेश्चन थोड़े मैं करवाया सी क्लास च। देखो इनू होर किस नेम नाल जानिया जाता है, स्पैम, स्पूफ, स्निफर, स्क्रिप्ट या स्पूल दे नाल, किस नेम नाल जानिया जाता है, ठीक है। हाँ जी तुसी दसना है 28th का आंसर देना है की आएगा। हाँ जी अपनी क्लास नू की है शेयर एंड लाइक जरूर कर दो, जे रियल विच ही तुहाडी रिवीजन हो रही है तो वधिया। देखो जंक ईमेल नू होर केड़े नाम नाल जानिया जाता है। हाँ जी हाँ जी ए हैगा तुहाडा, ए आएगा आंसर स्पैम। हाँ जी वेरी गुड दीप कुमार, स्पैम आएगा। हाँ जी सब दा ए आ रहा आंसर, सुखदीप गिल दा भी ए आ रहा है। ओके हाँ जी नेक्स्ट आ गया हैकर्स। हाँ जी हैकर्स च देखो कि उन्हें ऑल हैव अ सेम मोटिव, इन्हों का सेम मोटिव ही होंगे ब्रेक इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर, मतलब ब्रेक ही कर देंगे या खराब कर देंगे किसी के कंप्यूटर में, इलीगली ब्रेक इन टू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, ठीक है ना। या उन्होंने लीगली परमिशन होंगी इदा करन दी, है ना, किसी कंप्यूटर नू डैमेज करन दी। और आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स, ठीक है ना, ये एलर्जिक होंगे कंप्यूटर्स नू। देखो इन्दे विचों केड़ी सही डेफिनेशन है हैकर्स दी। हाँ जी 29th दा आरती दा आंसर आया है 4th। ओके विशांत धवन दा बी, अमनजोत सिंह बी, अमनदीप कौर बी। ओके वीना दा भी बी आया। हाँ जी देखो 29 दा आंसर की आएगा, बी आएगा, ठीक है ना। ये ब्रेकडाउन कर देंगे कंप्यूटर्स नू, ठीक है ना, खराब कर देंगे किसी दे कंप्यूटर च कुछ सकते हैं, ये हैक कर लेंगे सिस्टम नू। हाँ जी जिन्हों का बी बी आंसर दिता है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर क्लाइंट कंप्यूटर्स, इन्हें क्लाइंट सर्वर। देखो मैं तुम्हें तो करवाया सी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की होंगे, उसे आप दसना है कि किस तरह के जेडे कंप्यूटर्स है क्लाइंट कंप्यूटर्स होंगे, उन्होंने मेन फ्रेम कहने हैं,
मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर या पीडीए कहने आपां। हाँ जी, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन दा आंसर दिओ। क्लाइंट सर्वर सिस्टम दे विच क्लाइंट कंप्यूटर्स नू किस टाइप दे कंप्यूटर कहने आपां। ओके, माइक्रो। सेवन सिंह दा आंसर आया माइक्रो। ओके, रमन ब्राड सी। ओके, चलो आप देख रहे हैं की आएगा आंसर 30 दा। हाँ जी, माइक्रो आएगा, बिल्कुल सही है। जिन्होंने सी आंसर दिता, माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं क्लाइंट कंप्यूटर्स नू। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया तो दा, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द, देखो केड़ी चीज नहीं होएगी ता बूट नहीं करेगा कंप्यूटर, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर असेंबलर। ठीक है, देखो ये चो केड़ी चीज नहीं होएगी ता कंप्यूटर बूट नहीं करेगा। हाँ जी, 31 दा आंसर देखो की आएगा। हाँ जी, पीडीए नहीं आएगा, माइक्रो कंप्यूटर नू कहंदे आ क्लाइंट कंप्यूटर्स। ओके, 31 दा आ रहा, भी शांत अवन ने आंसर दिता सी, कॉट टिलो सी, केवीना सी। ओके, चलो आप देखते हैं इहदा आंसर की है 31 दा। हाँ जी, सी आएगा इहदा आंसर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, जे ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है मतलब एनू विंडो कहते हैं। ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब थोड़ी विंडो नहीं होएगी तो तुसी बूटिंग किदा करोगे। ठीक है, एनू सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आप दोनों पढ़े सी सिस्टम सॉफ्टवेयर की होंगे है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर केड़े होंगे है। हाँ जी, बिल्कुल सही है, सबने सही आंसर दिता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया 32 क्वेश्चन, थोड़ा अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टैक्सट। देखो आप स्पेस दें टैक्सट इन ए डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, उन्होंने की कहते हैं डबल स्पेस। जी वर्टिकल स्पेस इंसर्ट करते हो टैक्सट डबल स्पेस कहते हैं, लाइन स्पेसिंग, सिंगल स्पेस या वर्टिकल स्पेसिंग, देखो कि स्पेसिंग कहते हैं। हाँ जी, 30 हाँ जी, देखो 32 दा आंसर की आएगा। हाँ जी, क्वेश्चन तुसी जरूर मेंशन कर दिया करो। ठीक है ना, डायरेक्ट नहीं आंसर देना। ओके, मनदीप कौर बी। ओके, 32 दा सी आया। सब तो पहला भी शांत दा, देखो की आएगा आंसर एदा। हाँ जी, एदा आंसर आएगा बी, लाइन स्पेसिंग बोलते हैं। ठीक है ना, लाइन स्पेसिंग होंदियां जड़ियां मतलब वर्टिकल स्पेस नू बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया, एग्जाम्पल ऑफ नॉन नुमेरिक डेटा इज, है ना, नॉन नुमेरिक डेटा की एग्जाम्पल देनी है, केड़ा आएगा, एम्प्लॉई एड्रेस, एग्जामिनेशन स्कोर, बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, आप डीबीएमएस पढ़िया अंडर तुसी उसके अकॉर्डिंग एक आंसर दे सकते हो कि नॉन नुमेरिक डेटा केड़ा हुंदा। हाँ जी, नेक्स्ट है थोड़ा 33 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जरूर मैनशन करो। ओके, सुखदीप गिल दा बी। ओके, पिंकी रोड़ा दा आंसर ए आया है कि एम्प्लॉयज एड्रेस होंदा है। नॉन नुमेरिक है मतलब नंबर्स नहीं उहदे च होने चाहिए गे, नॉन नुमेरिक डाटा होना चाहिए। हाँ जी, देखो की आएगा आंसर थोड़ा 33 दा आएगा ए। हाँ जी, बिल्कुल सही है जिन्होंने ए दिता है, क्योंकि एड्रेस तो आप अल्फाबेटिकली लिखते हैं, स्कोर वगैरह भी थोड़े न्यूमेरिकली आ गए, बैंक बैलेंस हो गया, सारे आप इनकलूड कर ही नहीं सकते क्योंकि आदि ऑड वन है, तो केड़ा आंसर आ जाएगा, योर आंसर विल बी एम्प्लॉय एड्रेस। ओके, हाँ जी, देखो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। देखो एम्बेडेड सिस्टम किसनू कहते हैं, प्रोग्राम विच अराइव्स बाय बीइंग रैप्ड इन बॉक्स, मतलब तुसी बॉक्स दे विच रैप किया वाला प्रोग्राम हो गया। प्रोग्राम विच इज द परमानेंट पार्ट है, मतलब उन्होंने कह सकते कोई परमानेंट पार्ट है कंप्यूटर का, वो प्रोग्राम हो गया। कंप्यूटर विच इज द पार्ट ऑफ बिग कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर का पार्ट है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल द मशीन, मतलब ये कोई सॉफ्टवेयर होता है जो मशीन को कंट्रोल करता है। हाँ जी, एम्बेडेड सिस्टम बारे मैं दसिया हुआ, आई थिंक एमसीक्यूज भी दसिया हुआ जो अपनी यूट्यूब के उपर क्लास हुई सी।
हाँ जी जे तुहानू वधिया लग रही है क्लास देन शेयर कर दो क्लास नू अपनी नू ठीक है ता जो बाकी रहिंदे क्वेश्चंस भी बाकियां तक पहुंच जा रिवीजन हो जाए कल नू तुहाडा एग्जाम है। ओके 34 दा आ रहा है डी। अमनदीप कौर ने आंसर दिता है डी। हाँ जी नवी नॉन नमेरिक ही आएगा ठीक है ना नू फुली फिर आपां देखो जे तुसी कहने हो वैसे तो एड्रेस नू आपां अल्फा नुमेरिक भी अल्फा नुमेरिक ला सकते हैं ठीक है ना बट ये फुली आपां कह दिए ना मतलब जे कहिए ता नॉन नुमेरिक फॉर्म च भी नहीं आपां कह कह सकते पर इहदे विच आपां की है अल्फाबेट्स भी लिख सकते हैं ना एड्रेस दे विच एम्पलॉय दा एड्रेस है चाहे हाउस नंबर तुसी नुमेरिकली विच एंटर कर दे हो बट इस केस नू ही आपां नॉन नुमेरिक दे विच इनक्लूड कर सकते हैं क्योंकि बाकी इन्हां विच कोई ऑप्शन इदां दा है नहीं गा। हाँ जी देखो एम्बेडेड सिस्टम तुहाडे की हुंदे आ 34 दा जिहड़ा आंसर आएगा डी आएगा ठीक है ना एक सॉफ्टवेयर हुंदा जिहड़ा मशीन नू कंट्रोल करदा है जिवें तुसीं कार्स दी एग्जांपल लै सकदे हो हुण की है एम्बेडेड सिस्टम ही आंदे जस्ट मतलब इहदे विच वी तुहानू सॉफ्टवेयर देखण नू मिलदे आ ठीक है ना कार्स दे विच की हुंदे सॉफ्टवेयर हुंदे आ जस्ट तुसीं की प्रेस करदे हो कमांड दिंदे हो उह तुहाडी कार की कमांड फॉलो करदी है एंड दैट इज कॉल्ड द एम्बेडेड सिस्टम। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ जी फर्स्ट पेज ऑफ वैबसाइट। हाँ जी वैबसाइट के रिलेटेड भी आप पढ़िया पढ़ चुके हैं फर्स्ट पेज या वैबसाइट का उन्होंने की कहें होम पेज इंडेक्स जावास्क्रिप्ट कहने के बुक मार्क कहने देखो की कहने जो फर्स्ट पेज है वैबसाइट का उन्होंने की नाम दोगे। हाँ जी नवी बिल्कुल सही है कि वो फुली की है नुमेरिक है अपने बैंक बैलेंस वगैरह जेडी बाकी ऑप्शन सी बट एड फुली नुमेरिक नहीं हुंदा एम्प्लॉय एड्रेस फिर अपने को लो ये ऑप्शन बचता है। ओके 35 दा तुहाडा आंसर आ रहा है। ओके वीना दा आंसर आ रहा है ए कुलदीप सिंह ए मनजीत कौर ए। ओके ओके रमन कौर कह रहे नहीं रिमोट कार याद आ गई। ओके ओके ठीक है। हाँ जी आने वाले टाइम दे विच देखो तुसी कह सकते हो अमेरिकन कंट्रीज या यूके वाली साइड तक ही ऑटोमेटिक कार्स आ चुकी ने अपने इंडिया दे विच भी की है कह लो कि लोकल जड़े लोग हैं उन्होंने तक भी पहुंच जान पहला मतलब की है आनिया चाहिए ठीक है ना हजे काफी पिछे हैं इस दे विच। ओके देखो 35 का की आएगा थोड़ा ए आएगा बिल्कुल सही है होम पेज कहते हैं ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करैक्टर्स। देखो टाइप्ड करैक्टर्स नू द अपीयरेंस किदा दा होएगा साइज फॉरमेट नू कहने हैं पॉइंट नू कहने हैं या कलर नू किनू कहने हैं अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड करैक्टर्स। ओके कमलजीत कौर का ए आंसर आ रहा है। ओके नीतू सेखों का आंसर आ रहा है बी। ओके बी आंसर आ रहा है चलो आप देखते हैं की हैगा आंसर 36 का बिल्कुल सही फॉरमेट फॉरमेट तो ही आपां नूं अपीयरेंस पता लगती है कि तुसी करैक्टर्स नूं किस फॉर्म दे विच की है टाइप करना है ठीक है। नैक्सट हैगा तुहाडा 37th जिहड़ा क्वेश्चन है When a file is saved for the first time, जो तो पहली बार फाइल सेव करते हो तो की होता है कॉपी इज ऑटोमैटिकली प्रिंटेड कॉपी ऑटोमैटिकली प्रिंट हो जाती है इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट आपको इन नेम देना पैदा कोई इट डज नॉट नीड ए नेम या नेम की लड़ ही नहीं पैंती इट ओनली नीड्स अ नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड ठीक है कहते जे ये प्रिंट नहीं हो रही तो ही आपको इनू की है नाम देना पेगा। हाँ जी 37th क्वेश्चन का की है आंसर दसो की आएगा फर्स्ट टाइम जो फाइल सेव करते हैं तो की होंगे ओके 37 का आंसर आ रहा है बी। परविंदर कौर कुलदीप सिंह विशांत धवन एंड वीना माया रानी बी
ओके शब्द बी आ रहा है। चलो देखो इधर आंसर की आएगा, वेरी गुड बी आएगा। ठीक है ना, अपन ने नेम देना ही पैंदा है, फर्स्ट टाइम सेव कर दियो ना, नेम तो अनु देना ही पड़ेगा। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। देखो ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल ते तुसी ओनू के फैलाया होया ऑफिस लैंड्स नू कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कारपोरेट। देखो ओनू तुसी कनेक्ट करना हैगा, केड़ी चीज यूज करोगे, कैन यूज करोगे, लैन, डैन या वैन। देखो केड़ी चीज तुसी होर यूज करोगे ऑफिस लैंड्स नू ज्योग्राफिकली तुसी होर ज्यादा फैलाना है, मतलब ओदा दायरा वधाना है। हाँ जी होर की यूज करोगे? हाँ जी 38 का देखो तुहाडा आंसर आएगा। हाँ जी डी, ठीक है ना, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, ज्यादा तो यही एरिया नु इनक्रीज करेगा ना ज्योग्राफिकली लार्ज स्केल पे, जे तुसी ऑफिस लैंड्स नु इनक्रीज करना है था, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुहाडा, वेयर आर डेटा और प्रोग्राम स्टोर्ड। देखो किथे स्टोर कर दे हो तुसी अपने डेटा नू, व्हेन द प्रोसेसर यूजेस दैम, जदों उदों दसना है कि किथे तुहाडा डेटा स्टोर होगा, जदों प्रोसेसर की है उस डेटा नू यूज करदा है ना, यूज करूगा मेन मैमरी च जाएगा तुहाडा डेटा, सेकेंडरी मैमरी च, डिस्क मैमरी या प्रोग्राम मैमरी। हाँ जी जेडे बच्चों ने मेरिया सारिया क्लासेस अटेंड कीती है, ठीक है ना, पेड कोर्सेस दे विच, उन्हां दे लई इह क्वेश्चंस दा आंसर देना की है, मतलब कह लो छोटी जी गल ही है, ठीक है ना, उदे रिलेटेड ही ये सारे क्वेश्चंस ने। ओके 39 दा आया आंसर, अमनदीप कौर दा आया ए। हाँ जी वेरी गुड, मेन मेमोरी होंदी है, ठीक है, जिन्हों रैम कहने हैं, रैम दे विच आंदे आ वो चीजा जेड़िया भी आपा की है जदों प्रोसेसर प्रोसेसिंग करदा है ना, मतलब रनिंग फॉर्म दे विच, ठीक है ना, जे तुसी रनिंग फॉर्म च है तुहाडियां एप्स वगैरह वो फिर मेन मैमरी च जानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रिप्रेजेंट्स रॉ डाटा। देखो केड़ी चीज रॉ डाटा नू रिप्रेजेंट करदी है, वेयर एज डैश इज द डेटा मेड मीनिंगफुल, ते केड़ी चीज नू आपां मीनिंगफुल कहांगे, इनफॉर्मेशन रिपोर्टिंग है फर्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट डेटा इनफॉर्मेशन, थर्ड है इनफॉर्मेशन बिट्स, फोर्थ है रिकॉर्ड्स बाइट्स। हाँ जी ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੌ ਫੈਕਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ 40th ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਆਏਗਾ। ओके 40 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ओके बी आ रहा है बट विशान ਦਾ ਆਨਸਰ आ रहा है ए। ओके रमन कौर डेटा एंड इनफॉर्मेशन। हाँ जी देखो की आएगा ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ बी आएगा, वेरी गुड डेटा एंड इनफॉर्मेशन। देखो ਜਿਹੜਾ डेटा मान लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कोई भी नंबर्स ਦੇ ਦਾਂ 1, 2 and 3 ਦੇਤਾ, ਇਹ ਨੰਬਰਸ ਤਾਂ ਜਸਟ ਰੌ ਡੇਟਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਨੰਬਰਸ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਵੀ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 + 2 = 3, ਉਹਨੇ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਆ ਉਹ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਡੇਟਾ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 41, ਵਟ ਕੈਰੇਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਫ ਰੀਡ ਓਨਲੀ ਮੈਮਰੀ ਮੇਕ ਇਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ। ਦੇਖੋ ROM ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫੀਚਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ROM ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਪਡੇਟ, ਇੱਕ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। देखो ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ROM ਐਂਡ RAM ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਡੇਟਾ ਇਨ RAM ਇਜ਼ ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਡੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ देयर इवन ਵਿਦਆਊਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਾਵਰ। ਨਾਨ ਵੋਲੇਟਾਈਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ
मतलब वो डेटा तुहाडा की है फिर भी उठी रहेगा चाहे तुहाडा की है पीसी वगैरह बंद हो गया। रोम प्रोवाइड्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इनएक्सपेंसिव डेटा स्टोरेज तुहानू यह दिंदी है रोम। रोम चिप्स आर ईजली स्वैप्ड बिटवीन डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ कंप्यूटर, ये तुसी किसी भी कंप्यूटर च यूज कर सकते हो रोम दियां चिप्स, ठीक है ना। हाँ जी 41 का आंसर आ गया है। हाँ जी दीप कुमार कोई गल नहीं, तुसी रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो जे तुहानू कोई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है तो। ओके 41 द आंसर आ रहा है बी, कॉटिलो द सी आंसर आ रहा है। देखो रोम बारे केड़ी इनफॉरमेशन सही है। हाँ जी ओके हाँ जी वेरी गुड, जिन्होंने बी आंसर दिता है बी आएगा क्योंकि डेटा रोम दे विच नॉन वोलेटाइल होंदा है, वो एज इट इज ही रहिंदा है, ठीक है ना। जिवें मान लो तुहाडा बायो सिस्टम है वह भी रोम च रहिंदा है ना, तुसी पीसी नूं किन्ने बार मर्जी ऑफ कर दो विंडो भी तुहाडी चली जाती है फिर भी तुसी इसे बायो सिस्टम की हैल्प लैंदे हो, ठीक है ना। नैक्सट क्वेश्चन आ गया तुहाडा। हाँ जी what do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes? देखो उस प्रोग्राम नो आपा की कहांगे जेड़ा के फॉल्ट फाइंड करन लिए आपा यूज करदे आ ते उदा आपा नु ए भी दस दे कि फॉल्ट कादे करके होया है ना, उनो आपा की बोलदे आ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंशंस कुकीज कहने आ डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर कहने आ एंड इस तो अगे हैगा तुहाडा बूट डिस्केट बोलदे। हां जी केड़ी चीज बोलते हैं उस प्रोग्राम नूं जिहड़ा फॉल्ट फाइंड करदा है ते दसदा है कि कादे करके फॉल्ट होया, ठीक है ना। 42 दा आंसर दो फटाफट मैनूं की आएगा। ओके सुखदीप गेल दा सब तो पहला आंसर आया है सी, मनदीप कौर बी, अमनदीप कौर सी, टैलेंट पंजाब दा ओके बी आया आंसर उन्हां दा। रमन कौर कुकीज कह रहे ने हाँ जी देखो जेड़ा फॉल्ट फाइंड करता उन्हों की कहते हैं। हाँ जी इहदा आंसर आएगा सी डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, डायग्नोस करना मतलब चेक करना कोई चीज कित्थे फॉल्ट है, ठीक है उन्हों डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर बोल रहे हैं। हाँ जी सुखदीप गिल वेरी गुड बिल्कुल सही आंसर। हाँ जी नैक्सट आ जाओ तुसी, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासीफाइड एज ए लो लैवल लैंग्वेज। हाँ जी इन्हों विचों दसो केड़ियां लैंग्वेजेस की है लो लैवल वाली है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੋ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੇਸਿਕ ਕਬੋਲ ਫੋਰਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਲੋਗ ਹੈ ਐਂਡ ਸੀ ਸੀ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ 43 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ 43 ਦਾ ਆਂਸਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ओके 42 दा बी आ गया, दविंदर कौर ने आंसर दिता है, मनदीप कौर दा डी आ रहा है। ओके काफी वेरिएशन दे विच आंसर आ रहे हैं। हाँ जी देखो केड़ियां लो लेवल लैंग्वेजेस है तुहानू पता होनियां चाहीदियां। हाँ जी असैम्बली लैंगुएज की है तुहाडियां, असैम्बली लैंगुएज नूं तुसी लो लेवल लैंगुएज कहोगे, ठीक है ना, ये तुसी याद रखना है। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। देखो ये कि एंटीवायरस नहीं है, नॉट वर्ड का ध्यान जरूर रखना है तुसी उत्थे, कई बार की है काली च तुसी रीड कर दे हो फास्टली तो उदो की है नॉट वर्ड की है स्किप कर जाने हो। एन ए वी एफट्रॉट ओरेकल मकैफी, देखो केड़ा वाला इहदे चों एंटीवायरस नहीं है। हाँ जी हाँ जी कुकीज हेल्प कर दें आपां नूं जदों आपां नेक्स्ट टाइम वैबसाइट ओपन कर दें तां उहदे च आपां नूं हेल्प कर दें। ओके 44 दा सी आंसर आ रहा है रमन कौर एंड जगवीर गोयल दा सी आ रहा है, विशान धवन दा भी सी आ रहा है, जगमीत ढिल्लों सी आ रहा है। हाँ जी 44 दा तुहाडा सी आएगा। हाँ जी वेरी गुड, ठीक है ना, ए ए की है तुहाडा ए डेटाबेस डीबीएमएस
ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਓਰੇਕਲ ਇਹ ਐਂਟੀ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਜੋਇਸਟਿਕ ਮੋਡਮ ਸੀਡੀ ਡਰਾਈਵ ਐਨਆਈਸੀ ਕਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਸਨੀ ਸਿੰਘ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆਏਗਾ ਓਰੇਕਲ ओके 45 ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਡਮ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮੋਡਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਵਟ ਡਜ਼ ਡੀਐਮਏ ਸਟੈਂਡ ਫॉर ਹਾਂਜੀ ਡੀਐਮਏ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਮੈਮਰੀ ਅਸੈਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਮਰੀ ਅਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੋਡਿਊਲ ਅਸੈਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਮਰੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 46 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ 46 ਤੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡੀਐਮਏ ਦੀ ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਕੇ ਬੀ ਆਇਆ ਵਿਸ਼ਾਂਤ ਵੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੀ ਆਏਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਮਰੀ ਅਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਟੇਪ ਹੈ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਹੈ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 47 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ 47 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਸਟੋਰੇਜ ਡਿਵਾਈਸ ਕਿਹੜੇ 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 ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਟੇਪ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਵੀ ਫਲੋਪੀ ਡਿਸਕ ਵੀ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਡੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਕੋਟਿਲ ਉਹਨੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਜਗਵੀਰ ਗੋਇਲ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਡੀ ਆਏਗਾ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਅਬਵ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵੈਨ ਡਿਡ ਜੌਨ ਨੈਪੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਲੋਗਰਿਦਮ ਹਾਂਜੀ ਲੋਗਰਿਦਮ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੌਨ ਨੈਪੀਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਲੋਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਗਰਿਦਮ ਨੂੰ 1416 ਦੇ ਵਿੱਚ 1614 ਦੇ ਵਿੱਚ 1641 ਜਾਂ 1804 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ 48 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੌਨ ਨੈਪੀਅਰ ਨੇ ਲੋਗ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ 48 ਦਾ ਬੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਕੋਟਿਲੋਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ 1614 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਲੋਗਰਿਦਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੌਨ ਨੈਪੀਅਰ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਨਾਰਮਲ ਸੀਡੀ ROM ਯੂਜੂਲੀ ਕੈਨ ਸਟੋਰ ਅਪ ਟੂ ਡੈਸ਼ ਡਾਟਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਾਟਾ ਆਪਾਂ ਸੀਡੀ ROM ਚ ਨਾਰਮਲ ਸੀਡੀ ROM ਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 680 KB ਐਂਡ 680 ਬਾਈਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 680 MB ਜਾਂ 680 GB ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ 49 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਡੀ ROM GB ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਆਏਗਾ 680 MB ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ MB ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਡੀ ROM ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਆਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਦਾ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਹਾਂਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੈ
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है MIS इज डिजाइंड टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग. देखो डिसीजंस लेने के लिए MIS की करता है, ये अपना बनाया है MIS की है, सिस्टम बनाया है जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिसीजन लेने के लिए. किदे द्वारा होने ले जाते डिसीजन? कंज्यूमर्स द्वारा, वर्कर्स द्वारा, फोरमैन या मैनेजर्स द्वारा. हाँ जी, ये डिसीजन मेकिंग किदे द्वारा होती है? 50 का आंसर दो. हाँ जी, ये थोड़ा जो भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है थोड़ा मैनेजमेंट का पार्ट है, ठीक है ना. डिसीजन मेकिंग किदे द्वारा होती है? हाँ जी, 50 आंसर ते आप पहुंच चुके हैं. हाँ जी, तुसी रिफ्रेश कर लो जेड़े बच्चे लेट जा रहे ने स्क्रीन दे ऊपर, सो प्लीज रिफ्रेश योर स्क्रीन सो दैट यू कैन गो अलोंग द वीडियो. ओके, 50 का ए आंसर आया कुलदीप सिंह का. हाँ जी, देखो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट च कौन करता है? देखो 50 का तो आंसर आएगा डी. ओके, मैनेजर्स द्वारा होंगी है ये. कंज्यूमर, वर्कर्स, फोरमैन, तो इन्होंने सारे तो उपर तो मैनेजर ही है. हाँ जी, विशांत का आंसर बिल्कुल सही है, सोनिया कौर का भी सही है. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ तुसी. व्हाट इज अ लाइट पेन? हाँ जी, आ भी थोड़ा रिपीट हो गया क्वेश्चन. चलो जेडे बच्चे न्यू है और दोबारा फिर देख लेंगे. लाइट पेन की होंगे? मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस. हाँ जी, दसो यदि लाइट पेन की होंगे? हम थोड़ा नाले पता लग जाएगा तो ये लाइट पेन बारे याद हो गया कि नहीं? हाँ जी, आंसर दो मैनू. लाइट पेन की है? 51 का देखो थोड़ा आंसर की आएगा. हाँ जी, मीनाक्षी सेठी बिल्कुल सही है, थोड़ा बी आंसर आएगा. ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये, ठीक है ना. इनपुट का काम करता है लाइट पेन है जेड़ा थोड़ा. हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ BCD दी फुल फॉर्म, ठीक है ना. फुल फॉर्म्स देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़े एग्जाम के लिए. कंप्यूटर के विच की है ना, फुल फॉर्म्स तो एक तो पक्की आऊगी आऊगी फुल फॉर्म, तो तुसी फुल फॉर्म्स करके जानी है. हाँ जी, देखो BCD की होंगे? बाइनरी कोडेड डेसीमल, बिट कोडेड डेसीमल, बाइनरी कोडेड डिजिट या बिट कोडेड डिजिट. हाँ जी, 52 का की आएगा आंसर? ओके, मनदीप कौर का आंसर आया है ए. ओके, रमन कौर ने सीधा ही लिखता कि बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है. हाँ जी, बिल्कुल सही, वेरी गुड. जिन्होंने ए आंसर दिता है बाइनरी कोडेड डेसिमल, यदि फुल फॉर्म होती है. ये सारिया फुल फॉर्म्स आप कर चुके हैं जिड़िया अपन पेड क्लासेस चल दी है ना, उसके अंदर आप करते हैं तो वह बच्चे ईजीली यदा आंसर दे देंगे. हाँ जी, आस्काई की भी तुम्हें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. आस्काई की देखो की है फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टेबल कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरचेंज. सैकेंड है अमेरिकन स्टैंडर्ड कीज फॉर इंस्टीट्यूशनल इंटरचेंज. नेक्स्ट है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है. नेक्स्ट है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन. हाँ जी, ये चो केडी फुल फॉर्म बिल्कुल सही है, राइट वन तुसी दसनी है. ओके, 53 का आंसर आया मनप्रीत कौर का डी. ओके, एंड प्रियंका शर्मा का आंसर बी आ रहा है, हरविंदर गिल सी. ओके, मोस्टली सी आ रहे हैं. नाउ लेट सी द आंसर. आंसर अपना की आएगा? सी आएगा, ठीक है ना. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है ना. ए दी एग्जैक्ट फुल फॉर्म है, इनू याद कर लो तुसी, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर. हाँ जी, ये दसो फर्स्ट जनरेशन वाला कंप्यूटर के है? EDSAC है, IBM 1401 है, CDC 1604 है, ICL 2900. हाँ जी, मनप्रीत कौर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरचेंज इंफॉर्मेशन है, वेरी गुड. हाँ जी, यही बिल्कुल यदि सही फुल फॉर्म हैगी है. हाँ जी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर केड़ा है अपना? हाँ जी, आप 54th क्वेश्चन ते पहुंच चुके हैं. ओके, सुखदीप गिल का आंसर आया सब तो पहला बी.
ओके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर केड़ा है? हाँ जी ओके ए आ रहा है सब दा आंसर। हाँ जी बिल्कुल सही है, जिन्होंने ए दिता है EDSAC की है दा आंसर आएगा। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ 55th क्वेश्चन ते, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। देखो मेन कंपोनेंट मेन पार्ट कह लो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर दा केड़ा मन्निया जांदा है? ट्रांजिस्टर उदों आपां यूज करदे सी, वैक्यूम ट्यूब्स या वॉल्व्स यूज करदे सी, या आईसी सर्किट यूज करदे सी मींस इंटीग्रेटेड सर्किट, या नन ऑफ अबव, या इहदे च कोई नहीं हैगा जिहड़ा मेन कंपोनेंट यूज कीता जांदा सी। हाँ जी 55 लिख के देन राइट आंसर, ठीक है ना? आंसर तुसीं लिखना है। ओके मनदीप कौर का आंसर आया बी, नीतू सिखो बी, ओके परमजीत कौर ए, ओके बी आ रहा मोस्टली सब दा। रमनदीप संधु बी, ओके ये तुहानूं पता होना चाहिए केड़े केड़े कंपोनेंट केड़ी केड़ी जनरेशन दे विच आए सीगे, ठीक है ना? हाँ जी फर्स्ट जनरेशन विच मैं तुहानूं पहले ही दस्सिया सी वैक्यूम ट्यूब्स आईयां सीगियां, तां ही उदों की है वैक्यूम ट्यूब्स करके साइज जिहड़ा सीगा बहुत ज्यादा ही वड्डा सीगा कंप्यूटर्स दा। हाँ जी बिल्कुल सही है, जिन्होंने बी आंसर दिता है सुमन भारती, जगवीर गोयल बी आएगा, रजत जोशी। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर तुहाडा। नेक्स्ट आ जाओ फोरट्रेन। हाँ जी आप कर चुके हैं क्लास विच भी किया है, फोरट्रेन की है दी फुल फॉर्म की होंगी है? फाइल ट्रांसलेशन, सेकेंड फॉर्मेट ट्रांसलेशन, थर्ड फॉर्मूला ट्रांसलेशन, डी है फ्लॉपी ट्रांसलेशन। हाँ जी दसो की आएगा आंसर एदा। हाँ जी परविंदर कौर फर्स्ट जनरेशन च वैक्यूम ट्यूब्स आईयां सी, ओके सुखदीप गिल दा आंसर आया फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ओके सी आया जतेंद्र बावा दा, ओके सब दा सी आ रहा है, ओके बिल्कुल सही है तुहाडा आंसर, ठीक है ना? सी आएगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन फुल फॉर्म है फोरट्रेन दी जो तुहाडी लैंग्वेज है। हाँ जी डबल ई प्रॉम स्टैंड्स फॉर, हाँ जी तुसी दसना है डबल ई प्रॉम दी फुल फॉर्म की है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इजीली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, लास्ट है नन ऑफ द अबव। ओके कोमल, अच्छा कोमल ना आया आंसर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ जी कोमल ये रैम नहीं है इतनी रोम है, एक्सेस नहीं कह सकते इतने। ओके सब दा ए आंसर आ रहा है, चलो आप देखते हैं की आएगा आंसर। ओके सी आ रहा है सब दा आंसर, ओके देखो 57 दा सी आएगा, ठीक है इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इनू कहंदे इहदी फुल फॉर्म है, ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट आ जो सेकंड जनरेशन दे आ गए हुण, देखो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर वर्ड डेवलप्ड ड्यूरिंग कदों डेवलप किए गए सी दा टाइम पीरियड दसना है, 1949 टू 1955 तक है, 1956 टू 65 तक है, एंड 1965 टू 70 तक है, एंड 1970 टू 90 तक है। हाँ जी टाइम पीरियड तुसी दसना है इसका, टाइम पीरियड दसना है सेकंड जनरेशन लई कद कितों तो लैके कितों तक टाइम चलिया सीगा सेकंड जनरेशन का। हाँ जी 58 दा देखो की आएगा आंसर, ओके मनदीप कौर दा आंसर आया ए, अराउंड बस इन्हां दा 5-6 ईयर्स दा ही गैप हैगा, बस उस दे अकॉर्डिंग तुसी इहनूं रिवाइज कर सकदे हो, इहदा आएगा बी, ठीक है ना?
56 ਟੂ 65 ਸੀਗਾ 1956 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1965 ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਕਿੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਇਨ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ 59 ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਸ ਐਜ਼ ਅ ਸਵਿਚਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸ ਆਰ ਫੋਰ ਵਿਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਸੀਗੇ ਕਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚ ਆਏ ਸੀ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਕਿਊਮ ਟਿਊਬਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਓਕੇ 60 ਦਾ ਥਰਡ ਆਨਸਰ ਕਿਹਾ ਅਮੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ 60 ਦਾ ਓਕੇ ਰਮਨ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੋਰਥ ਓਕੇ ਫੋਰਥ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ 60 ਦਾ ਫੋਰਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹਾਂਜੀ 5th ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਯੂਜ਼ਡ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਮੇਜ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਟੈਕਸਟ ਹਨਾ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਟੈਕਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ OCR OMR MICR ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ 61 ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਸਟ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ 61 ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਓਕੇ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 61 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਏ OCR ਆਪਟੀਕਲ ਕਰੈਕਟਰ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਆਏਗਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਇਜ਼ ਮੈਜਰਡ ਬਾਈ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦੀ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਡਾਟ ਪਰ ਇੰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਾਟਸ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦੈਮ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਕੇਸ ਹੈ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਹੈ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 62 ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਟਸ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਇੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਇਨ ਐਨਾਲੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇਖੋ ਐਨਾਲੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਨਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਕਨਵਰਟਿਡ ਇਨਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਇਨਪੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਕਨਵਰਟਿਡ ਟੂ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਪਾਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਦ ਅਬਵ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਆਉਣਗੇ ਹਾਂਜੀ 62 ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ 63 ਚੱਲ ਰਿਹਾ 63 ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ ਓਕੇ ਅੰਕੁਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡੀ ਓਕੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 63 ਦਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀ ਇਨਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਕਨਵਰਟਿਡ ਟੂ
ਹੁਣ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਐਨਾਲੋਗ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਨਾਲੋਗ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਲੇਟੈਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਰਲਲ ਓਨਲੀ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲੀ ਓਨਲੀ ਬੋਥ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ 64th ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 64th ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਓਕੇ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ ਓਕੇ ਅੰਕੁਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ 64 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸੀਕੁਐਂਸ਼ੀਅਲੀ ਐਂਡ ਪੈਰਲਲ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਦੋਨਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸੀ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਡੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਸੀ ਹੈ ਦਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਨ ਨਿਊਮੈਨ ਨੇ ਜੋਸਫ ਐਂਡ ਜੈਕਵਾਰਡ ਨੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸਪਰ ਐਕਟ ਐਂਡ ਜੌਨ ਡਬਲਿਊ ਮੋਕਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਲ ਆਫ ਅਬਵ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 200 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ 200 ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੋ ਪੇਡ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਿਲਸ ਮੈਂਟੋਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਫੋਲਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਓਕੇ 65 ਦਾ ਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਡਾਇਮੰਡ ਗੇਮਰ ਓਕੇ ਦੇਖੋ 65 ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੌਨ ਮੋਕਲੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਐਂਡ ਹੈਕਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਨਾਇਕ ਦੀ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਹੂ ਇਨਵੈਂਟਡ ਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇਨਵੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਡੈਨਿਸ ਐਮਰਿਚ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਰਿਥ ਨੇ ਸੈਮੋਰ ਪੈਪਟ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਕੁੰਥ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਸਟ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਫਾਸਟਲੀ ਆਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਫਾਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਲੀ ਕਰੋ 66 ਦਾ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਠੀਕ ਹੈ ਡੈਨਿਸ ਐਮਰਿਚ ਪਰਸਨ ਨੇ ਹੀ ਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਨਿਸ ਰਿਚ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬੁੱਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਰਸਨੇਲ ਹੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਰੇਟ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨੇਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੰਸੋਲ ਆਪਰੇਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਪੀਪਲ ਵੇਅਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਐਨਾਲਿਸਟ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਰਾਣੀ 66 ਦਾ ਏ ਆਨਸਰ ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 67 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ 67 ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਏਗਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੀਪਲ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਕਰੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੇਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲ ਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇਹ ਰੋਂਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ 68 ਵੈਨ ਡਿਡ ਆਰਕ ਰਾਈਵਲਸ IBM ਐਂਡ ਐਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਹੈਂਡਸ ਦੇਖੋ IBM ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਐਪਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? 1978 ਵਿੱਚ, 1984, 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ? ओके आंसर आ गया रिशु कुमार दा 1978 है। देखो 68 दा आंसर आएगा तो दा 1991 डी आएगा, ठीक है। 68 दा डी आंसर है, 1991 दे विच इन्होंने हैंड ज्वाइन किया सी। नेक्स्ट आ जो ह्यूमन बीइंग्स आर रेफर टू एज अ होमो सेपियंस बोल रहे हैं आपा, ठीक है। ए बायोलॉजिकली जड़ा नेम दिता गया ह्यूमन बीइंग्स नु, विच डिवाइस इज कॉल्ड सिलिको सेपियन। हुण सिलिको सेपियन आपा किनू कहांगे जे ह्यूमन बीइंग नु होमो सेपियन कहने हैं? मॉनिटर, हार्डवेयर, रोबोट या कंप्यूटर? देखो किनू कहांगे आपा। 69 दा आंसर है तुहाडा, हां जी इहदा आंसर आएगा डी, ठीक है। फिर तो आपा कंप्यूटर नु ही कहांगे सिलिको सेपियंस, ठीक है ना, हां जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड बग। देखो जे तुहाडे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर च प्रॉब्लम आंदी है, एरर आंदी है, उहनू बग कहने हैं। व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर जार्गन फॉर इट, ठीक है ना। बट आपां जे इहनूं देखिए कंप्यूटर दे केस च आपां इहनूं की कहांगे? लीच कहने हैं, स्क्विड कहने हैं, स्लग या ग्लिच, ठीक है। इहदा अल्टरनेटिव दसना है बग दा की हुंदा है। हां जी बग दा देखो की आएगा तुहाडा, 70 ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਆਏਗਾ ਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਿਚ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਰ ਵੈਰੀ ਰਿਲਾਇਬਲ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ। ਦੇਖੋ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਫਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇਨਫੈਲੇਬਲ ਜਾਂ ਚੀਪ। ਦੇਖੋ ਮਾਡਰਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਰਿਲਾਇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਨਫੋਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਪੂਜਾ ਅਟਵਾਲ, ਸਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਗਲਿਚ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ 72 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਦੈਟ ਹਾਈਲਾਈਟਸ ਆਰ ਆਫ ਸਕਰੀਨ ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਸ। ਦੇਖੋ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? That highlights ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਆਪਰੇਟਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਕਸਲ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਸਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੋ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਨਫੋਲੀਏਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਆਏਗਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੇਮ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇ ਫੀਚਰ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 72 ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਰਿਵਰਸ ਵੀਡੀਓ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਪਸ ਮਾਊਂਟਡ ਔਨ ਅ ਮੇਨ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ। ਦੇਖੋ ਮਦਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਚਿਪਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਨੇਮ ਫਾਰ ਸੱਚ ਬੋਰਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਓਗੇ? ਡਾਟਰ ਬੋਰਡ, ਮਦਰ ਬੋਰਡ, ਫਾਦਰ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਬੋਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ओके 73 ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਨਸਰ? ਬੀ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਦਰਬੋਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਰੈਮ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰੈਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਨਸਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਂਡ ਕਾਰਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਲੋਟਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਮਦਰਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ठीक है ना, तो इहदा आंसर की आएगा तुहाडा बी आएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आएगा तुहाडा इन मोस्ट आईबीएम पीसीज। देखो आईबीएम दे पीसी च की हुंदा, सीपीयू जेहड़े तुहाडे डिवाइस ड्राइव्स है या मेमोरी एक्सपेंशन स्लॉट्स है, एक्टिव कंपोनेंट्स है, आर माउंटेड ऑन ए सिंगल बोर्ड। देखो ये सारी चीजा मदरबोर्ड दे उपर हुंदियां तुहाडियां, एक सिंगल बोर्ड हुंदा है, ठीक है, वो तुसी दसना है केड़े है, उहदा नाम की है, ठीक है, जिहदे उपर सीपीयू होवे, ठीक है, ये तुहानूं मैं हुणे दस ही चुकी हां, तुसी दस ही सकदे हो, ठीक है, ओह वाली केड़ी चीज हुंदी है, ठीक है, वो हुंदा अपना मदरबोर्ड, ठीक है ना। ਇਤਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਬਾਈ ਅ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਨ ਪਰਸਨ ਓਨਲੀ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਸਾਈਨਡ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਸਕ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਟਾਸਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਚ ਯੂਜ਼ਿਸ ਅ ਵਨ ਕਾਈਂਡ ਆਫ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟ ਫਾਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ 75 ਦਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਵਰਡ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਂਸਰ ਦੇ ਦੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਦਰਬੋਰਡ ਆਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਏ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਰਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਡੀ ਨੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ ਦੇਖੋ 75 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਨ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਵਨ ਟਾਸਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਅ ਪਰਸਨਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟਿਪੀਕਲੀ ਕੰਟੇਨਸ ਆਲ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ, ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਸੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਜਾਂ ਮੋਡਮ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਰੀਅਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਮੋਡਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ 77 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ, ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਕਨਵਰਟਸ ਐਨ ਐਂਟਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ, ਸਿਮੂਲੇਟਰ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਕਮਾਂਡਰ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੀ 77 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਾਈਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ ਕੌਰ ਮੋਡਮ ਆਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ ਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਆ ਜਾਓ 78, ਅ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟਸ ਵਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਇਨਟੂ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ, ਸੀਪੀਯੂ, ਕੰਪਾਈਲਰ ਜਾਂ ਸਿਮੂਲੇਟਰ। ਦੇਖੋ 78 ਦਾ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਂਸਰ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਨਵਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਏ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਵੀ ਏ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਸਭ ਦਾ ਏ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੀਮਾ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਅ ਸਮਾਲ ਔਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਵਿਦ ਇਨ ਇਟ ਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਲ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਵਿਦ ਇਨ ਇਟ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਪਿਊਟਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਂਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ।
हाँ जी देखो 79 दा तुहाडा देखो की आएगा आंसर डी आएगा, ठीक है ना। मतलब वो केड़ा होंदा डिवाइस इंटेलिजेंट जिन्हों सेंसर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ, फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली इज नोन एज। देखो फॉल्ट है तुहाडे किसी प्रोग्राम दे विच, उहनू की है कम करन तो की है रोक रहा है, उहनू की बोलते हैं बूट, बग, बिफ या स्ट्रैप। देखो की कहांगे आपां, उहनू आपां बोलते हैं बग, ठीक है। जिहड़ा फॉल्ट हुंदा उहनू आपां बग बोलते हैं, बग आपां हुणे कीता सी एरर हुंदी है, ठीक है ना। हाँ जी 79 दा डी है बिल्कुल सही है, जिन्हां ने डी आंसर दिता है। हाँ जी नेक्स्ट तुसी आ जाओ 81 क्वेश्चन दे। देखो अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम है, मतलब जिहड़ा अपने आप दीआं कॉपीज बना रहा है, सिमिलर टू अ वायरस दी तरह, विच वॉज टेकन फ्रॉम अ 1970 साइंस फिक्शन नॉवल बाई जॉन ब्रूनर एंटाइटल द शॉक वेव राइडर, ठीक है। वो रेप्लीकेटिंग प्रोग्राम वायरस की तरह जेड़ा कि मतलब उन्होंने लिया होया है, जिमें कि इन्हों मैंशन किया गया है कि जॉन ब्रूनर दी नॉवल दे विच शॉक वेव राइडर है जिहदा नाम, तो उन्हों तुसी सैल्फ रेप्लीकेटिंग प्रोग्राम नू की कहोगे, बग, वाइस, लाइस या वॉर्म। 81 का देखो तुहाडा आंसर की आएगा। हाँ जी वायरस की गल हो रही है, आप वायरस से पढ़ चुके हैं। हाँ जी 81 का डी आएगा बिल्कुल सही है, वेरी गुड नवदीप सिद्धू, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल सही है, परमजीत कौर का भी डी आया आंसर। नेक्स्ट आ जाओ तुसी 82, अ स्टेट इज अ बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। देखो वो स्टेट कि है जिदे विच तुसी की है कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट यूज कर रहे हो, है ना। उहदे विच फिर तुसी की यूज करोगे, मल्टी वाइब्रेटर, फ्लिप फ्लॉप, लॉजिक गेट्स या फिर लैटन। देखो ठीक है बाई स्टेबल सर्किट है कोई, ठीक है, उहदे विच तुसी की यूज करोगे। 82 दा आंसर दो की आएगा। हाँ जी बाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नू की कहने आपां, फ्लिप फ्लॉप होंदे आ इह, ठीक है ना। बी आएगा तुहाडा आंसर। हाँ जी नेक्स्ट है अनवांटेड रेपिटिशियस मैसेजेस सच एज अनसोलिसिटेड बल्क ईमेल इज नोन एज। देखो जो अनवांटेड मैसेजेस होंगे है मतलब रिपीटेडली आते रहते हैं, उन्होंने की बोलते हैं आप, जिमें तो ईमेल हो गया स्पैम, ट्रैश, कैलिबरी या कोरियर। हाँ जी उन्होंने आप कहे। हाँ जी 82 का सी नहीं आएगा, बी आएगा। हाँ जी नवदीप सिद्धू 82 का बी आएगा, फ्लिप फ्लॉप। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते आ जाओ, रिपीटेडली जड़े मैसेज आते हैं जड़े अपन चाहिए भी नहीं होंगे उन्होंने की कहने आप, स्पैम, ठीक है, वो स्पैम च ही जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी डॉस की फुल फॉर्म की है। हाँ जी डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सैशन, डिस्क ऑपरेटिंग डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल ओपन सिस्टम। हाँ जी फुल फॉर्म की है डॉस की। हाँ जी डॉस की फुल फॉर्म की है। हाँ जी स्पैम आएगा, मनदीप सिंह बिल्कुल सही आंसर तुहाडा, दविंदर कौर ओके 83 का बी। हाँ जी बी नहीं आएगा, 83 का तुहाडा स्पैम आएगा। हाँ जी डॉस की देखो फुल फॉर्म की होंगी है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है तुहाडी डॉस की जिहड़ी फुल फॉर्म हैगी है। हाँ जी तुहाडे लई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लैके आई हैं, प्रीवियस ईयर्स दे विच इनक्लूड किए हैं। हु इज द चीफ ऑफ, हाँ जी माइक्रोसॉफ्ट देखो सॉफ्टवेयर बनाती है, विंडो तुहाडी बनाती है, हुण इहदा चीफ कौन है, बैबेज, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन है या नन ऑफ दीस। हाँ जी ये तुहानू पता होना चाहिए जनरल नॉलेज दे पॉइंट ऑफ व्यू तो, है ना, जीके दे पॉइंट ऑफ व्यू तो भी तुहानू चीफ कौन है। ओके रिशू कुमार ने बहुत फास्टली आंसर दिता, वेरी गुड बिल गेट्स है, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड बिल्कुल सही है, बिल गेट्स की है, इन्होंने इन्हें इनवेंट किया सीगा माइक्रोसॉफ्ट नू। हाँ जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइसेस, देखो ये केड़े है जेडे इनपुट डिवाइसेस है, तुसी दसना है कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर या एनी ऑफ दीस, ठीक है। हाँ जी केड़े है तुहाडे इनपुट डिवाइसेस। हाँ जी 86 का आंसर देखो की आएगा, ठीक है।
एनी ऑफ दीज आएगा, सारे तुहाडे की ने इनपुट डिवाइसिस ने। हाँ जी नेक्स्ट थी आज एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसिस। देखो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाने हैं कल पटवारी दी एग्जाम ली। इनपुट चाहे वो आउटपुट डिवाइसिस है, स्टोरेज दे रिलेटेड है, इन चो क्वेश्चन आते ही आते होंगे पक्का। हाँ जी 87 दा तुहाडा आंसर आएगा हाँ जी डी। ठीक है ना, आ तुहाडा स्क्रीन हो गया जो तुहानू मोनीटर ते शो हुंदा, प्रिंटर स्पीकर ये तुहाडे सारे की हो गए आउटपुट डिवाइसिस ने। ठीक है हाँ जी ईजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हाँ जी ब्रेन किनू कहने, कंट्रोल यूनिट तुहाडा, सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट हो गया, अरिथमैटिक लॉजिक यूनिट या मोनीटर। हाँ जी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप किनू कहने हैं। ओके अमनदीप 87 का डी आ रहा है। हाँ जी वेरी गुड। हाँ जी 88 का देखो आंसर की आएगा, सीपीयू। ठीक है सीपीयू की है, एक दिमाग है कंप्यूटर का। हाँ जी आईबीएम देखो कंप्यूटर्स बनाती है। हम देखो आईबीएम की फुल फॉर्म की है, इंटरनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स, इंटरनल बिजनेस मशीन्स। हाँ जी देखो केड़ा आएगा इहदे विचों, ऑप्शन केड़ा सही। आईबीएम की तुहानू फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। 89 का देखो आंसर की आएगा सी। ठीक है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इहनू बोलते हैं, इहदी फुल फॉर्म है। हाँ जी 88 का बी आएगा, बिल्कुल सही है तुहाडा संस्कार। हाँ जी सीपीयू सिमरन का भी सही है, गुरदीप का सही है। हाँ जी हुण तुसी आ जाओ 89 ते बी आंसर आ रहा है, बी नहीं आएगा सी है। ठीक है 89 का तुहाडा आंसर की आएगा, सी आएगा, इहदी फुल फॉर्म यही सही है। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ तुसी 90th जड़ा हैगा तुहाडा क्वेश्चन हैगा, दैट डैश ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स एट अ रन टाइम लाइन बाय लाइन। देखो लाइन बाय लाइन जे आपां रन करदे आ प्रोग्राम्स नूं, ट्रांसलेट करदे आ, एग्जीक्यूट मतलब रन करदे हो, तां उस चीज़ नूं आपां की कहांगे, कौन ये काम करदा है, कंपाइलर इंटरप्रेटर लिंकर या लोडर। हाँ जी 90 दा तुहाडा आंसर की आएगा, हाँ जी ये काम कौन करदा है, ट्रांसलेट करन दा एग्जीक्यूट करन दा। हाँ जी लाइन बाय लाइन कौन करदा है। ओके हाँ जी बी आ रहा है नवदीप सिद्धू दा, हाँ जी बिल्कुल सही है तुहाडा। हाँ जी इंटरप्रेटर ही काम करेगा तुहाडा। ठीक है हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 91 डैश इज अ उप प्रिंसिपल। हाँ जी उप प्रिंसिपल केड़ा है तुहाडा। हाँ जी उप प्रिंसिपल केड़ा है तुहाडा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, प्रोसीजरल प्रोसीजर प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस या लिंकिंग। हाँ जी क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन किया करो, 91 लिख के देन ओदा आंसर तुसी देना है। ओके 91 दा आ रहा है ए, देखो 91 दा आंसर आएगा। हाँ जी इनहेरिटेंस इहदे विच आपां यूज करदे हां, इहदा प्रिंसिपल की है 91 दा सी। ठीक है इनहेरिटेंस आंसर आएगा। नेक्स्ट आ जो कबोल इज वाइडली यूज्ड इन एप्लीकेशंस, देखो किथे यूज हुंदी कबोल, कमर्शियल लेवल ते, साइंटिफिक स्पेस या मैथमेटिकली, इहनू आपां यूज करदे हां। हाँ जी 92 दा देखो की आएगा आंसर, हाँ जी 92 देखो कबोल कितने यूज करते हैं आपां। हाँ जी इनू कमर्शियल लेवल ते की है यूज किया जाता है, इहदा आंसर है। नेक्स्ट आ जो रैम स्टैंड्स फॉर, हाँ जी रैम दी की फुल फॉर्म होंदी है, रैंडम ओरिजिन मनी एंड रैंडम ओनली मैमरी, रीड ओनली मैमरी, रैंडम एक्सेस मैमरी। हाँ जी रैम दी की फुल फॉर्म आएगी, हाँ जी 92 दा बिल्कुल सही है जिन्होंने ए आंसर दिता है, रमनदीप संधू। ओके सब दा ए आ रहा, रिशु कुमार दा भी ए आया 92 दा। हाँ जी बिल्कुल सही है, हुण तुसी 93 दा आंसर देना है। देखो इहदा की आएगा तुहाडा 93 दा,
रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, रैम दी ये फुल फॉर्म होंगी है। हाँ जी, ये आप कर चुके हैं थ्योरीज दे विच भी, ये सारे टॉपिक्स आप किए हुए। देखो वन बाइट की दे इक्वल होंगे, देखो तुहानू एमबी का पता होना चाहिए, बाइट का, बिट का, जीबी का, टीबी का, ठीक है। एट प्रेजेंट टाइम आप टीबी तक यूज कर रहे हैं, इन्हें पूछ लेंगे होंगे कि एमबी च कितने मतलब हैगी है, बाइट्स पूछ लेंगे या जीबी च एमबी पूछ लेंगे, ऐदा करके पूछते, ठीक है। 8 bits 4 bits 2 bits 9 bits, हाँ जी 94 क्वेश्चन लिख के दैन आंसर लिखना है तुसी। ओके, ए आंसर आ रहा हरमनप्रीत कौर का, गुरदीप कौर का डी आ रहा। देखो वन बाइट दे विच किन्ने किनिया बिट्स होंदियां, ये तुहानू पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है अपना। हाँ जी बिल्कुल सही है, ए आंसर दिता तुसी। हाँ जी एस एम पी एस स्टैंड फॉर, हाँ जी एस एम पी एस की फुल फॉर्म की है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टोर मोड पावर सप्लाई, सिंगल मोड पावर सप्लाई। हाँ जी देखो कि आंसर आएगा एस एम पी एस का। हाँ जी 95 का तुसी आंसर देना है। हाँ जी इनकी फुल फॉर्म होंगी है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हाँ जी ये तुहानू पता नहीं होएगी, ये तुसी देख लो एस एम पी एस की फुल फॉर्म होंगी है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है ना। हाँ जी नवदीप सिद्धू निबल दे विच 4 bits होंगी है, ठीक है ना, वन निबल दे विच किनिया बिट्स होनगियां, 4 bits होंगी है, ठीक है ना। हाँ जी नैक्सट हम तुसी देख लो, अ डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डेटा ऑन एनालॉग लाइन्स, दे उपर तुसी की है डिजिटल डेटा लैके जाना है, उहदे लई केड़ा डिवाइस यूज करोगे, मॉडम, मल्टीप्लैक्स, मॉडुलेटर या डी मॉडुलेटर, ठीक है ना। एनालॉग लाइन्स तो तुसी डिजिटल डेटा लैके जाना है, केड़ा डिवाइस यूज करोगे, 96 का आंसर दो। हाँ जी इहदे लई मैं तुहानू दस्सिया सी मॉडम यूज करदे आ, चाहे तुसी डिजिटल नू कन्वर्ट कर लो एनालॉग दे विच, चाहे इहनू बैक कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। हाँ जी नैक्सट आ गया तुहाडा वीडीयू इज आल्सो कॉल्ड, देखो वीडीयू नू तुसी की कहने हो और किस नाम नाल जानिया जांदा है, स्क्रीन कहने हैं, मोनीटर कहने हैं, बोथ ए एंड बी, इहनू प्रिंटर कहने हैं। हाँ जी विजुअल डिस्प्ले यूनिट है तुहाडा, इहनू की कहने आप, होर किस नाम नाल इह जानिया जांदा है। हाँ जी वीडियो किस चीज का काम करदी है, आंसर की आएगा तुहाडा 97 का आंसर दो। ओके बी आ रहा रमनदीप संधू का 97 का। हाँ जी देखो की आएगा 97 का आंसर, सी आएगा, ठीक है ना। देखो एक स्क्रीन भी होंदी है, मोनीटर एंड स्क्रीन दोनों कहोगे बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, दोनों ही वीडियो का काम करेंगे। हाँ जी बायोस दी, हाँ जी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जेड़ा तुहाडा बायोस दी तुहानू फुल फॉर्म पता होनी चाहिए है, ये आंदी है तुहाडे जेड़े की है एग्जाम्स दे विच, ठीक है ना। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बाइनरी आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम है, बेसिक इनपुट ऑफ सिस्टम है, या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। हुण इह देखो इह तां तुहानू फुल फॉर्म वाला पुछे क्वेश्चन है ना, इहदे च तुसी इह तां कर सकदे हो बई फुल फॉर्म तां हुण तीनों तां हो नहीं सकदियां गियां, इह तां मतलब आ ऑप्शन तां हो गया तुहाडा कैंसल, ठीक है ना, फुल फॉर्म तां इक ही होगी। हाँ जी 98 दा ए आया रमनदीप संधू दा। हाँ जी बिल्कुल सही है, बेसिक इनपुट आउटपुट इहदी फुल फॉर्म है, जरूर तुसी कर लो, ध्यान च रख लो, नोट कर लो इहनू। हाँ जी फादर ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फादर कौन है, हाँ जी फादर कौन है तुहाडा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, डेनिस रिच, प्रोफेसर जॉन किनले, थॉमस कोट्स हो गया, या बिल गेट्स। हाँ जी 99 का तुहाडा आंसर की आएगा। हाँ जी हुने तुहानू मैं दस्या सी किने इनवेंट कीती सी, डेनिस रिच ने, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड नवदीप सिद्धू, डेनिस रिच ने इनू इनवेंट कीता सी। अमनदीप, रमन कौर, सेवन सिंह, हाँ जी सब दा सेम आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेसिंग टास्क आर रेफर टू एज कंप्यूटर, ठीक है ना। हुण तुसी देखो
इंस्ट्रक्शन है कि जो कि तो दस रही है कंप्यूटर नू कि किवें प्रोसैसिंग करनी है, तो उस चीज़ नू आपां की कहने हैं प्रोग्राम्स, प्रोसैसर्स, इनपुट डिवाइसिज या मैमरी मड्यूल्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर नू दस रही है कि किवें टास्क नू की है परफॉर्म करना है, उस चीज़ नू आपां की बोलते हैं प्रोग्राम, प्रोसैसर, इनपुट डिवाइसिज या मैमरी मड्यूल। हाँ जी, तुहाडा 100 ते क्वेश्चन है। हाँ जी, देखो 100th क्वेश्चन का की आएगा, आंसर आएगा ए। ये प्रोग्राम्स होंगे है ना, प्रोग्राम्स की डेफिनेशन मैं तुम्हें बहुत बार दसी है अपनी जड़ी क्लासेस लगती होंगे है कि सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन ही होंगे वे, ठीक है, जो सारा काम कर दी है तो प्रोग्राम होएगा। हाँ जी, वेरी गुड, ए आंसर है कुलदीप सिंह का। हाँ जी, थोड़े जे क्वेश्चन आप होर कर लें क्योंकि ऑलरेडी टाइम काफी हो चुके हैं। ठीक है ना, थोड़े के क्वेश्चन आप कर लेने हैं। ठीक है, देखो एन एरिया ऑफ अ कंप्यूटर दैट टेंपरेरली होल्ड डेटा वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड। देखो कोई कंप्यूटर दा कोई आप ले रहे हैं एरिया है ना, वो की कर रहा है मतलब टेंपरेरली उन्हें होल्ड करके रखे है ना, थोड़े टाइम लिए डेटा नू होल्ड कर रहा है, वेट कर रहा है कि प्रोसैसिंग होएगी, वो एरिया नू आप की बोलते हैं, सीपीयू, मैमरी, स्टोरेज या फाइल। हाँ जी, देखो 101 का आंसर दो की आएगा। हाँ जी, 10 क्वेश्चन आप होर कर लें। हाँ जी, फटाफट आंसर दो। देखो टेंपरेरली डेटा स्टोर कितने किया जाता है तुहाडा, जिते कि वेट कर रहा प्रोसैसिंग दे लई, वो तो की है मैमरी दे विच ही करेगा ना, तो इहदा आंसर की आएगा मैमरी, बी आएगा गुरदीप कौर। हाँ जी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ जाओ, डैश, डैश इज द की टू क्लोज अ सिलेक्टेड ड्रॉप डाउन लिस्ट, नु तुसी क्लोज कर रहे हो या कैंसल कर रहे हो कमांड नु या क्लोज कर रहे हो किसी डायलॉग बॉक्स नु, मतलब कोई विंडो ओपन की है, तो केड़ी चीज यूज करने, टैब, शिफ्ट, एस्केप या F10। देखो केड़ी की तुसी यूज करोगे क्लोज करन दे लई, ड्रॉप डाउन लिस्ट नु, किसी कमांड नु या डायलॉग बॉक्स नु। हाँ जी, हुण आपां अगे 102 दा आंसर देना, तुसी की आएगा 102 दा, देखो की आंसर आएगा। हाँ जी, कैंसल करन लई आपां की यूज करदे हैं, एस्केप। ओके, एस्केप आपां यूज करदे हुंदे हैं, उहदे नाल सब कुछ कैंसल हो जांदा है, कमांड है तो डायलॉग बॉक्स है वो क्लोज हो जाएगा, तो एस्केप आपां यूज कर लैंदे हां। जिवें कई बार तुसी कोई फुल स्क्रीन च कोई चीज ओपन कर दे हो है ना, जिवें यूट्यूब दी वीडियो भी फुल स्क्रीन च कर दे हो, एस्केप प्रेस कर दो, वो भी की है तुहाडी की है वो फुल स्क्रीन हट जाएगी। ठीक है, हाँ जी, सी आ रहा है, वेरी गुड, हर सिफत लर्निंग सेंटर। ओके ओके, सब दा सी आ रहा है, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट तुहाडा क्वेश्चन हैगा, डैश इज द की वी यूज टू रन द सिलेक्टेड कमांड, है ना, मतलब कमांड नू रन करन लई केड़ी यूज करदे हैं, शिफ्ट, टैब, एंटर या कंट्रोल। हाँ जी, 103 क्वेश्चन आ गया, 103 इहदा आंसर की आएगा, कमांड है तुसी कोई सिलेक्ट कीती है ते चाहने हो कि रन हो जाए, फिर केड़ी की प्रेस करोगे। ओके, गुरविंदर सिंह दा आंसर आ रहा है एंटर। हाँ जी, वेरी गुड, एंटर कर दो वो रन हो जूगी। ठीक है ना, जिवें तुसी फोल्डर ते डबल एंटर कर दिंदे हो तां वी ओपन हो जांदा है, तां रन एदां ही कमांड तुहाडी रन करन लग जाएगी। देखो डैश इज द फंक्शनल की टू डिस्प्ले सेव एज बॉक्स, देखो केड़ी की यूज करदे हां। देखो आपां सारियां शॉर्टकट कीज मैं तुहानू करवाईयां होईयां, उहदी पीडीएफ भी तुहानू प्रोवाइड कीती सी, शॉर्टकट कीज दी अलग भी पीडीएफ दिती सी, ते बार बार मैं तुहानू सारियां एक्सल दे विच, वर्ड दे विच हर जगह करवाईयां सी, तां तुहानू पता होना चाहिए। देखो सेव एज दे लई आपां केड़ी की यूज करदे हां, F5, F6, F9 या F12। हाँ जी, सेव एज दे लई 104 दा। हाँ जी, रमनदीप गरेवाल, कोई गल नहीं, तुसी बाद च वीडियो नू देख सकते हो,
ठीक है, रिकॉर्डेड तुहानू यूट्यूब ते ही मिल जाएगी। ठीक है, हाँ जी, F12 आपां यूज करते हैं, ठीक है, सेव एज दे लई। हाँ जी, नेक्स्ट है, डेटा बिकम्स अ डैश व्हेन इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड यूज। देखो लोग जिस फॉर्मेट नू समझ रहे हो उसे फॉर्मेट च तुसी डेटा नू प्रेजेंट करना है ना, तां ओ डेटा की होएगा, प्रोसेस्ड होए होना चाहिए, ग्राफ्स च होवे, इनफॉर्मेशन च होवे या प्रेजेंटेशन फॉर्म च होवे, इनफॉर्मेटिव होना चाहिए डेटा। डेटा इनफॉर्मेशन च कन्वर्ट होएगा ना, फिर ही आपां नूं पता लगेगा, नहीं तो तुसी 1 2 प्लस ऐदां ही लिखता कुछ, ये तो अपने लिए तो जस्ट की है नंबर है या कोई सिंबल है ना, तो आपां नूं समझ नहीं आएगा, इनफॉर्मेशन च कन्वर्ट होके आपां नूं ताईं ओह समझ आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाओ, 106 का आंसर देना है तुसी, 106 का जेड़ा आंसर है देखो की आएगा, द टर्म डैश डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहेंस इट्स फंक्शनैलिटी। तुसी फंक्शनैलिटी कंप्यूटर दी इंप्रूव करनी है, ओदे विच देखो केड़ी केड़ा इक्विपमेंट तुसी ऐड कर दियो, वो टर्म नु की कहने हो, या कह लो डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या फिर पेरीफेरल डिवाइस, देखो की कहने आपां नु। हाँ जी मनदीप कौर, कोई प्रॉब्लम नहीं है तुहानू, जे बफरिंग हो रही है रिफ्रेश कर लो। हाँ जी रमनदीप गरेवाल, बिल्कुल सही है, इनफॉर्मेशन आएगा, इनफॉर्मेशन दी फॉर्म जी आपां नू डेटा समझ आंदा है। हाँ जी वीडियो मेरे को प्रॉपरली चल रही है। हाँ जी नवदीप सिद्धू, तुसी एक बारी दोबारा इनू ऑन करके देख लो। हाँ जी देखो 106 का जेड़ा की आएगा, डी आएगा, ठीक है ना, पेरीफेरल डिवाइस है ना, ये आप ऐड कर दें बारो, ठीक है, कोई और चीज ऐड कर सकते हो जिम्मे हार्ड डिस्क ऐड कर लो, है ना, मतलब तुसी और डेटा की है, मतलब की है सेव करके रख सकते हो, ठीक है ना। ओके 106 का डी आएगा नवदीप सिद्धू, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ते आ जाओ तुसी 7 ते, 107 जेड़ा तुहाडा क्वेश्चन है, डैश इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस। हाँ जी माइक्रो प्रोसेसर वाले डिवाइस नु की कहने हैं, केड़ा केड़ा कह लो सिस्टम है जेड़ा तुहाडा माइक्रो बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटिंग डिवाइस है, पर्सनल कंप्यूटर, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन या फिर सर्वर, देखो इन्हां चो केड़ा आएगा। 107 दा फटाफट आंसर दो। हाँ जी 106 का थोड़ा पेरीफेरल डिवाइस आएगा ना, बारो तुसी कुछ भी कनेक्ट कर लो, फंक्शनैलिटी तुहाडी की है इनक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ जी देखो अगे थोड़ा आएगा 107 का आंसर आएगा ए, है ना, थोड़े कंप्यूटर दे विच की है, पर्सनल कंप्यूटर दे विच की होंदा, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ही होंदे है, थोड़े प्रोसेसर होंदा इहदे विच, ठीक है ना। हाँ जी नेक्स्ट है, रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, ठीक है ना, रैम नू तुसी की मानदे हो, है ना, जे तुसी उनू मतलब की है किदा ट्रीट करोगे फॉर कंप्यूटर प्रोसेसर दे लई, एक नू फैक्टरी मानदे हो, ऑपरेटिंग रूम मानदे हो, वेटिंग रूम या प्लानिंग रूम, की मानदे हो आपां रैम नू। हाँ जी 108 दा आंसर दो मैनू की आएगा। हाँ जी रैम की है, की रैम की किस तरह काम करदी है, मतलब कंप्यूटर प्रोसेसर दे लई। हाँ जी 107 दा ए आएगा रमनदीप, हाँ जी जिन्होंने ए आंसर दिता बिल्कुल सही है। हाँ जी 108 दा तुहाडा आंसर आएगा रैम काम करदी है एज ए वेटिंग रूम, है ना, जेडी रैम आ ओ की एज ए वेटिंग रूम दा काम करदी है कंप्यूटर प्रोसेसर दे लई, क्योंकि दोनों मिलके काम करदे है, ठीक है ना, कंप्यूटर दे विच। हाँ जी 109 ऑन द आंसर दो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दे केड़ा केड़े केड़े फंक्शन है, एलोकेट करना रिसोर्सेज, मॉनिटर करना एक्टिविटीज नू, मैनेज करना डिस्क एंड फाइल्स नू, या ऑल ऑफ द अबव। देखो तुहाडे ऑपरेटिंग सिस्टम दे मतलब ओएस आपां पूरा पढ़िया होया है, इहदे विच की कुछ हुंदा है, तुहानू करवाया होया है, इहदे फंक्शंस दसो की हुंदे है 109 दे। हाँ जी 108 दा बी कह रहे ने रजिंदर कौर, बी नहीं आएगा बच्चे, सी आएगा वेटिंग रूम, ये दोनों एक दूजे दे लई की है, रैम नू आपां की एक वेटिंग रूम दी तरह ट्रीट करदे हां प्रोसेसर दे लई, ठीक है ना, ये दोनों एक दूजे दे ने कोऑर्डिनेशन नाल चलदे आ, तां ही आपां इहनू कहंदे आ वेटिंग रूम।
ओके बी आ रहा है। हाँ जी देखो 109 का की आंसर आएगा, डी आएगा। ठीक है, ये सारे काम ही करता है। रिसोर्सेज एलोकेट करना, मतलब केड़ी एप्लीकेशन नू तुसी कदों प्रोसेसर देना है ते कदों मतलब उनू रैम देनी है, ये सारा कुछ देखना, मॉनिटर करना सारियां चीजा, तुसी हार्डवेयर कनेक्ट है कि नहीं, कोई डिस्क प्रॉपरली कोई चल रही है कि नहीं, मतलब रैम तुहाडी सही जगह है कि नहीं, प्रोसेसर प्रॉपरली काम करी जांदा है कि नहीं, बाकी आ मैनेज करता है फाइल्स वगैरह नू, तां ऑल ऑफ अबव इहदा आंसर आ जाएगा, डी इहदा आंसर है। हाँ जी बिल्कुल सही है, 109 का डी आएगा। गुरदीप कौर एंड रमनदीप, मनप्रीत, हाँ जी जसकरण, जसी, डी। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ। हाँ जी लास्ट अपना क्वेश्चन है अज, आप इथों तक की करांगे, ठीक है ना, क्योंकि टाइम काफी हो चुका है। 110, ठीक है ना, टू मूव अ कॉपी ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ओवर अ कम्युनिकेशन चैनल इज कॉल्ड। देखो तुसी कॉपी करनी है फाइल, है ना, कॉपी जेडी है फाइल दी तुहाडे कोल हैगी है, उहनू मूव करना है एक कंप्यूटर तो दूजे तक, है ना, कम्युनिकेशन चैनल दे उपर, तां उसनू आपां की कहने हैं, फाइल ट्रांसफर, फाइल एनक्रिप्शन, फाइल मॉडिफिकेशन या फाइल कॉपिंग। हाँ जी 1010 दा तुसी आंसर दो की आएगा, जेडी फाइल मूव कर दे उहनू की कहने हैं, 110 दा की आएगा। हाँ जी रमनदीप 98 क्वेश्चन ही, आप 110 ते आ गए, तुसी रिफ्रेश करो अपनी स्क्रीन नू। ओके मनदीप सिंह दा आंसर आया ट्रांसफर फाइल। हाँ जी आर्ट कलेक्शन, तो इन्ना ज्यादा अगे की है, मतलब ज्यादा नहीं आएगा डीपली, पिन वगैरह बारे नहीं पूछेंगे, ठीक है ना, पंजाब एग्जाम्स दे विच नहीं पूछते इन्ना ज्यादा डीपली, जस्ट तुहानू की है मेन पता होवे मदरबोर्ड बारे। ओके देखो 110 दा तुहाडा आंसर है ए, ठीक है, इहनू फाइल ट्रांसफर करना कहंदे आ, एक जगह तो दूजी जगह मूव करनी है तुसी फाइल तां, ठीक है। हाँ जी वेरी गुड, जिन्हां दा 110 आया है। हाँ जी फाइल कॉपी करना मनदीप कुमार, हाँ जी फाइल कॉपी नहीं, फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं ना, ट्रांसफर दा मतलब की हुंदा, मूव कर देना, एनक्रिप्शन तां तुहाडी हुंदी है सिक्योरिटी नाल रिलेटेड हुंदी है, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन तां तुसी कुछ चेंज कर दे हो, कॉपी नहीं कर रहे, तुसी फाइल दी कॉपी नू मूव करना है, मतलब कोई फाइल है उन्हों मूव करना है ना, कॉपी करन नू नहीं, हो कह रहे ट्रांसफर करना, ठीक है। हाँ जी अज आपां की 110 जिहड़े क्वेश्चंस है कवर अप कर ले, एंड टाइम अपना काफी हो चुका है, बाकी तुसी की इहदी रिवीजन कर लो, एंड मेरे वालों सब नू की है बेस्ट ऑफ लक सारे नू कल दे एग्जाम लई। हाँ जी सब नू ऑल द बेस्ट, वधिया तुसी पेपर करके आना है, तुहानू मैं वधिया जड़ी कंप्यूटर दी प्रेपरेशन करवाई हुई है, सारे टॉपिक सिलेबस दे अकॉर्डिंग आपां कवर किते हुए है, तुसी कुछ भी छड़ के नहीं आना, प्रॉपरली सोच के उहनू की है तुसी करके आना, ठीक है ना। देखो ये थ्योरेटिकल हैगा, इहदे चों तुसी की है वधिया स्कोर कर सकदे हो, ठीक है, स्कोर कर सकदे हो वधिया तुसी कंप्यूटर चों।